हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है द लायन किंग द लायन किंग फिल्म का जो हिंदी वर्जन है दूसरे सभी जो डब्ड वर्जन है इंग्लिश वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की जाएगी फिल्म का डीप रिव्यू किया जाएगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस किया जाएगा साथ ही में फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग तथ्य भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं द लायन किंग जो 2019 की अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है ये फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में रिलीज किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन भी शामिल था एक एनिमेटेड फिल्म थी जिसको डिरेक्ट किया हुआ जॉन फेवेरियो ने स्क्रीन प्ले जेप नेथरसोन का था डिज्नी के द्वारा जो द लाइन किंग बनाया गया था इरेन मेसी जोनाथ रॉबर्ट और लीना वुलवलन के द्वारा क्रिएट किया गया था उसका रीमेक वर्जन है जॉन फेवेरियो जो फिल्म के डरेक्टर थे उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जेफरी सिल्वर और केरन गिल गिलक्रिश ने उसको को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को करीबन 250 टू 260 यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट uh, किया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का रन टाइम एक मिनट था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक घंटे और अट्ठावन मिनट की फिल्म थी जहां पे पहले इस फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 9 जुलाई 2019 को यूएस में 19 जुलाई 2019 को रिलीज किया हुआ था साथ ही में दूसरी सभी टेरिटेज में तभी रिलीज किया हुआ था हंस जेमर्स के द्वारा म्यूजिक दिया हुआ है मार्क लिवंस और एडम गल ने इसको एडिट किया हुआ था करीब दो घंटे लंबा रन टाइम दिया हुआ था केलेबिस चैनल ने इसको सिनेमेटोग्राफी की हुई थी डोनाल्ड ग्लोवर सेल्फर्ड वुड बिली एचनर जॉन कानी जॉन ऑलिवर नोलेर कार्टर और जेम्स अलर जॉन्स जैसे कई बड़े एक्टर इसमें अपना वॉइस ओवर देते हुए नजर आएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 28 सितंबर को अनाउंस किया गया था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा कि जॉन फेबरियो इस फिल्म का यानी कि 1994 के की एनिमेटेड फिल्म द लाइन किंग का रीमेक करने वाले जहां पे उसके ऊपर बाद में आगे काम किया गया था स्क्रीन प्ले जेफ नेता लिखने वाले रीमेक का और उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सिम्बा का रोल डोनाल्ड ग्लोर को मिड फरवरी 2017 में दिया गया था जहाँ पे जेम्स एल जॉन्स जिन्होंने वो सफ़ा का रोल दो हज़ार में किया हुआ था वही वॉइस और वो इस, इस फिल्म में रिप्राइज करते हुए नज़र आए थे उसके बाद में कई ऐसे अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था कुछ एक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइस किया हुआ था बाद में इसके वेफ के ऊपर भी काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ था वेफ जैसे कि फिल्म में करीबन फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी थे जिसमें काफ़ी काफ़ी लंबा समय लगा था और किरदारों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसमें भी काफ़ी लंका काफ़ी टाइम लगा हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम किया गया था जिस तरह की जो फिल्म बनाई गई थी उस हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था ग्यारह जुलाई दो को इस ट्रैक को रिलीज़ किया गया था वोल्ड डिजनी ने ही अपने पास राइट्स रखे हुए थे स्पिरिट करके एक गाना था उसको दस जुलाई दो को रिलीज़ किया हुआ था वैसे करीबन उन्नीस इसमें बैकग्राउंड ट्रैक रखे हुए थे जिसको फिल्म में रिलीज किया गया था और यह सभी ट्रैक को काफी बढ़िया तरीके से एक प्यार मिला हुआ था जहां पे अभी फिलहाल में आप वोल्ड डिज्नी के द्वारा रिलीज किया हुआ है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इस मोशन ट्रैक को ऑफिशियली सुन सकते हो कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिम्बा का जो लीड रोल है वो डोनाल्ड क्लोवर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा पुम्बा वाला रोल है वो सेथ रोजन ने प्ले किया हुआ था यंग सिम्बा का रोल जे डी ने प्ले किया हुआ है यानी कि वॉइस ओवर दिया हुआ है स्कार के रोल में चिटर फोर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है सराबी के रोल में एल्फर वुडान ने वॉइस ओवर दिया हुआ है टिमोन के रोल में बिल्ली एचनर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है राफिकी के रोल में जॉन कानी ने वॉइस ओवर दिया हुआ है जाजू के रोल में जॉन ओलीवर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है नाला के रोल में बियॉन्स नॉल्स कार्टर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है मुफासा के रोल में जेम्स आर्ल जॉन्स ने वॉइस ओवर दिया हुआ है वहीं पे फ्लोरा कसुम्बा कीगन मिक के इरिक एंड्रेज आपको सेंजी कमारी और अजीज़ के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा 1994 में कुछ किरदार थे उन सभी किरदारों को जो वॉइस ओवर है वो सेम आर्टिस्ट जिन्होंने 1994 में दिया हुआ था उस उन्होंने वॉइस ओवर दिया हुआ था तो इस तरह से इस वॉइस कास्ट को कास्ट किया गया था अब बात कर लेते हैं इसकी रिलीज के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीवुड में 9 जुलाई 2019 को इसको रिलीज किया गया था वहीं पे यूएस कनाडा और दूसरी सभी कंट्रीज में 19 जुलाई 2019 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई मैक्स थ्री फॉर्मेट में जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम पे करीबन दो लाख पचपन हज़ार वोट मिले जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे डिज्नी प्लस के द्वारा इससे पहले कई सारी एनिमेटेड फिल्में आई हुई थी उसमें इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया एक मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी ओपनिंग ली हुई थी ग्लोबल आ, जो डेब्यू है इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ था करीबन फोर यूएस मिलियन डॉलर के साथ नौवीं फिल्म के तौर पर ऑल टाइम फिल्म में जो डेब्यू था इस फिल्म ने किया हुआ था एनिमेशन के तौर पे बिगेस्ट ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने तो इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे जहाँ पे यूएस एस कैनेडा में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने करीबन सेवेंटी सेवन पॉइंट नाइन यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे प्रीव्यू के कलेक्शन थे वो इंक्लूड थे ट्वेंटी थ्री यू मिलियन डॉलर तो इतना यू और कैनेडा से पहले दिन का कलेक्शन निकल के आया हुआ था फिल्म को सैतालीस थिएटर में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अपना वीकेंड हासिल किया हुआ था जिस तरह का फिल्म से उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था अदर से भी फिल्म ने कलेक्शन किया था दस दिनों में करीबन चार सौ यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन एक्सपेक्ट किया गया था अदर टेरीटेरी से जहां पर इस फिल्म ने उसको भी आसानी से तोड़ दिया क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म को काफी बढ़िया कलेक्शन करने में कामयाब रहा जहां पर इस फिल्म ने करीबन यूएस कनेडा से फाइव 143.638 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था द टेरिटरी से करीबन 1.119 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का टोटल हुआ 1.663 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन था आ, 250 टू 260 यूएस मिलियन डॉलर जिसके सामने बिलियन 1.6 प्लस बिलियन का कलेक्ट यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लिया करीबन इस फिल्म ने हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली एनिमेशन फिल्म में अपना मकाम दर्ज किया था और जो हाईएस्ट ग्रोसिंग म्यूजिकल फिल्म होती है ओल्ड टाइम रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था और इस फिल्म ने रीमेक फिल्में जो आती है उसमें भी हाइस्ट ग्रोसिंग रीमेक फिल्म ओल्ड टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था सेकंड हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म दो की साबित हुई थी और सातवीं ओल्ड टाइम हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म है उसमें उसमें अपना नाम दर्ज किया हुआ था जो डेडलाइन हॉलीवुड है उन्होंने नेट प्रॉफिट कुछ फाइव एटी यू मिलियन डॉलर का कैलकुलेट किया हुआ था और सभी एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज़ को उसमें मिक्स किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने मल्टीपल लैंग्वेजेस में जब रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अब ओ टी के ऊपर बातचीत कर लेते थे डिजनी प्लस के पास ओ टी राइट्स है सभी वर्जनस के लिए वहीं पर हिंदी डब्ड वर्जन के सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के ही पास है स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के पास द लायन किंग फिल्म को ऑफिशियली डीवीडी और ब्लू रे अल्ट्रा एच डी डिजिटल एच डी फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था 11 अक्टूबर 2019 को और ब्लू रे और अल्ट्रा एच डी में अक्टूबर 2022 2019 को रिलीज़ किया हुआ था उसके बाद डिजनी प्लस के द्वारा इसको ऑफिशियली 28 जनवरी 2020 को स्ट्रीम करवाया हुआ था जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार को इंडिया में तीन अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया था इंडिया में और उसमें हिंदी वर्जन भी शामिल था तो फिलहाल में अगर आपको इस फिल्म को के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देख सकते हो जहां पे विथ इंग्लिश सब टाइटल को हिंदी के साथ साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर इस फिल्म को द लाइन किंग नाम के साथ बिल्कुल ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन हिंदी डब का वो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डिजनी प्लस होटस्टार के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंगलिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन द लाइन किंग फिल्म को आप मल्टीपल लैंग्वेज में हिंदी वर्जन इंक्लूड है उसमें इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी डब सेटेलाइट वर्जन आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में द लायन किंग नाम के साथ देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि द लायन किंग फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो द लायन किंग जो 2019 की अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है ये फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में रिलीज किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन भी शामिल था एक एनिमेटेड फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ जॉन फेवेरियो ने स्क्रीन प्ले जेफ नेथरसोन का था डिज्नी के द्वारा जो द लाइन किंग बनाया गया था इरेन मेसी जोनाथ रॉबर्ट और लीना वुलवलन के द्वारा क्रिएट किया गया था उसका रीमेक वर्जन है जॉन फेवेरियो जो फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जेफरी सिल्वर और केरन गिल गिलक्रिश ने उसको को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को करीबन टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट uh, uh, किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का रन टाइम एक मिनट था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक घंटे और अट्ठावन मिनट की फिल्म थी जहां पे फेल इस फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 9 जुलाई 2019 को यूएस में 19 जुलाई 2019 को रिलीज किया हुआ था साथ ही में दूसरी सभी टेरिटेज में तभी रिलीज किया हुआ था हंस जेमर्स के द्वारा म्यूजिक दिया हुआ है मार्क लिवंस और एडम गल ने इसको एडिट किया हुआ था करीबन दो घंटे लंबा रन टाइम दिया हुआ था केलेबिस चैनल ने इसको सिनेमेटोग्राफी की हुई थी डोनाल्ड ग्लोवर सेथ रोजन सेविफॉर्ड एल्फर्ड वर्फ बिली एच जॉन कानी जॉन ऑलिवर नोलेर कार्टर और जेम्स अलर जॉन्स जैसे कई बड़े एक्टर इसमें अपना वॉइस ओवर देते हुए नजर आएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 28 सितंबर को अनाउंस किया गया था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा कि जॉन अन इस फिल्म का यानी कि 1994 नाइन्टी फोर की एनिमेटेड फिल्म द लाइन किंग का रीमेक करने वाले जहां पे उसके ऊपर बाद में आगे काम किया गया था स्क्रीन प्ले जेफ नेता लिखने वाले रीमेक का और उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सिम्बा रोल डोनाल्ड ग्लोवर को मिड फरवरी 2017 में दिया गया था जहाँ पे जेम्स एर जॉन्स जिन्होंने मुसफफा का रोल दो हज़ार में किया हुआ था वही वॉइस ओवर वो, वो इस फिल्म में रिप्राइज करते हुए नजर आए थे उसके बाद में कई ऐसे अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था कुछ एक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ था बाद में इसके वेफ के ऊपर भी काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ था वेफिक्स जैसे कि फिल्म में करीबन फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी शॉट थे जिसमें काफ़ी काफ़ी लंबा समय लगा था और किरदारों को जिस तरह से डेवलप किया होता उसमें भी काफ़ी लंबा काफ़ी टाइम लगा हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम किया गया था जिस तरह की जो फिल्म बनाई गई थी उस हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था ग्यारह जुलाई दो को इस ट्रैक को रिलीज किया गया था वोल्डिजनी ने ही अपने पास राइट्स रखे हुए थे स्पिरिट करके गाना था उसको दस जुलाई दो को रिलीज़ किया हुआ था वैसे करीबन 19 इसमें बैकग्राउंड ट्रैक रखे हुए थे जिसको फिल्म में रिलीज़ किया गया था और ये सभी ट्रैक को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक प्यार मिला हुआ था जहाँ पे अभी फिलहाल में आप वॉल डिजनी के द्वारा रिलीज़ किया हुआ है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इस मोशन ट्रैक को ऑफिशियली सुन सकते हो कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिम्बा का जो ललिड रोल है वो डोनाल्ड क्लोवर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा पुम्बा वाला रोल है वो सेथ रोजन ने प्ले किया हुआ था यंग सिम्बा का रोल जे डी ने प्ले किया हुआ है यानी कि वॉइस ओवर दिया हुआ है स्कार के रोल में चिटर इजीफोर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है शराबी के रोल में एल्फर वुडान ने वॉइस ओवर दिया हुआ है टिमोन के रोल में बिल्ली एचनर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है राफिकी के रोल में जॉन कानी ने वॉइस ओवर दिया हुआ है जाजू के रोल में जॉन ओलिवर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है नाला के रोल में बियॉन्स नॉल्स कार्टर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है मुफासा के रोल में जेम्स अर्ल जॉन्स ने वॉइस ओवर दिया हुआ है वहीं पे फ्लोरा कसुम्बा कीगन मिक के इरिक एंड्रेज आपको सेंजी कमारी और अजीज के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नजर आएंगे इसके अलावा 1994 में कुछ किरदार थे उन सभी किरदारों को जो वॉइस ओवर है वो सेम आर्टिस्ट जिन्होंने 1994 में दिया हुआ था उस उन्होंने ही ओवर दिया हुआ था तो इस तरह से इस वॉइस कास्ट को कास्ट किया गया था अब बात कर लेते इसकी रिलीज़ के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीवुड में 9 जुलाई 2019 को इसको रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस एस कैनेडा और दूसरी सभी कंट्रीज़ में 19 जुलाई 2019 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई 3डी फॉर्मेट में जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो लाख पचपन हज़ार वोट मिले जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे डिज्नी प्लस के द्वारा इससे पहले कई सारी एनिमेटेड फिल्में आई हुई थी उसमें इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया एक मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी ओपनिंग ली हुई थी ग्लोबल आ, जो डेब्यू है इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ था करीबन फोर यूएस मिलियन डॉलर के साथ नौवीं फिल्म के तौर पर ऑल टाइम फिल्म में जो डेब्यू था इस फिल्म ने किया हुआ था एनिमेशन के तौर पे बिगेस्ट ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने तो इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे जहाँ पे यूएस एस कैनेडा में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने करीबन सेवेंटी सेवन पॉइंट नाइन यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे प्रीव्यू के कलेक्शन थे वो इंक्लूड थे ट्वेंटी थ्री यू मिलियन डॉलर तो इतना यू और कनेडा से पहले दिन का कलेक्शन निकल के आया हुआ था फिल्म को सैतालीस थिएटर में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अपना वीकेंड हासिल किया हुआ था जिस तरह का फिल्म से उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था अदर से भी फिल्म ने कलेक्शन किया था दस दिनों में करीबन चार सौ पचास यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन एक्सपेक्ट किया गया था द टेरीटे से जहां पर इस फिल्म ने उसको भी आसानी से तोड़ दिया क्रिटिक्स ऑडियंस का टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म को काफी बढ़िया कलेक्शन करने में कामयाब रहा जहां पर इस फिल्म ने करीबन यूएस कैनेडा से फाइव 143.638 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था द टेरिटरी से करीबन 1.119 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का टोटल हुआ 1.663 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन जहां पे फिल्म का बजट करीबन था टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी यूएस मिलियन डॉलर जिसके सामने बिलियन वन पॉइंट सिक्स प्लस बिलियन का यू एस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लिया करीबन इस फिल्म ने हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली एनिमेशन फिल्म में अपना मकाम दर्ज किया था और जो हाइस ग्रोसिंग म्यूजिकल फिल्म होती है ऑल्ड टाइम रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था और इस फिल्म ने रीमेक फिल्में जो आती है उसमें भी हाईस्ट ग्रोसिंग रीमेक फिल्म ऑल्ड टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था था सेकंड ग्रोसिंग फिल्म 2019 की साबित हुई थी और सातवीं ओल्ड टाइम जो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है उसमें उस उसमें अपना नाम दर्ज किया हुआ था जो डेड लाइन हॉलीवुड है उन्होंने नेट प्रॉफिट कुछ फाइव एटी यू मिलियन डॉलर का कैलकुलेट किया हुआ था और सभी एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज़ को उसमें मिक्स किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने मल्टीपल लैंग्वेजेस में जब रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अब ओ टी के ऊपर बातचीत कर लेते डिजनी प्लस के पास ओ टी राइट है सभी वर्जनस के लिए वहीं पर हिंदी डब्ड वर्जन के सेटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के ही पास है स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के पास द लायन किंग फिल्म को ऑफ़िशियली डीवीडी और ब्लू रे अल्ट्रा एच डी डिजिटल एच डी फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था ग्यारह अक्टूबर 2019 को और ब्लू रे और अल्ट्रा एच डी में अक्टूबर 2022 2019 को रिलीज़ किया हुआ था उसके बाद डिजनी प्लस के द्वारा इसको ऑफिशियली 28 जनवरी 2020 को स्ट्रीम करवाया हुआ था जहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार को इंडिया में तीन अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया था इंडिया में और उसमें हिंदी वर्जन भी शामिल था तो फिलहाल में अगर आपको इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहां पर विथ इंग्लिस सब टाइटल को हिंदी के साथ साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर इस फिल्म को द लाइन किंग नाम के साथ बिल्कुल ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन हिंदी डब का वो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डिजनी प्लस होटस्टार के ऑफिशियल ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन द लाइन किंग फिल्म को आप मल्टीपल लैंग्वेज में हिंदी वर्जन इंक्लूड है उसमें इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी डब सेटेलाइट वर्जन आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में द लाइन किंग नाम के साथ देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि द लाइन किंग फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो द लायन किंग जो 2019 की अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फ़िल्म है ये फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में रिलीज किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन भी शामिल था एक एनिमेटेड फिल्म थी जिसको डिरेक्ट किया हुआ जॉन फेवेरियो ने स्क्रीन प्ले जेफ नेथरसोन का था डिज्नी के द्वारा जो द लाइन किंग बनाया गया था इरेन मेसी जोनाथ रॉबर्ट और लीना वुड के द्वारा क्रिएट किया गया था उसका रीमेक वर्जन है जॉन फेवेरियो जो फिल्म के डरेक्टर थे उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जेफरी सिल्वर और केरन गलिश गिल गिलक्रिश ने उसको को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को करीबन टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का रन टाइम एक मिनट था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक घंटे और अट्ठावन मिनट की फिल्म थी जहाँ पे पेल इस फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 9 जुलाई 2019 को यूएस में 19 जुलाई 2019 को रिलीज किया हुआ था साथ ही में दूसरी सभी टेरिटरीज में तभी रिलीज किया हुआ था हंस जेमर्स के द्वारा म्यूजिक दिया हुआ है मार्क लिवंस और एडम गल ने इसको एडिट किया हुआ था करीबन दो घंटे लंबा रन टाइम दिया हुआ था केलेब डिस्चैनल ने इसको सिनेमाटोग्राफी की हुई थी डोनाल्ड ग्लोअर सेथ रोजाना सेवत इजिफोर्ड एल्फर्ड वुड्रा अर्फ्र बिली एशनर जॉन कानी जॉन ओलिवर, ऑलिवर नोलेर कार्टर और जेम्स अलर जॉन्स जैसे कई बड़े एक्टर इसमें अपना वॉइस ओवर देते हुए नजर आएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 28 सितंबर को अनाउंस किया गया था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा कि जॉन फेब्रियो इस फिल्म का यानी कि 1994 की एनिमेटेड फिल्म द लाइन किंग का रीमेक करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर बाद में आगे काम किया गया था स्क्रीन प्ले जेफ नेतरसन लिखने वाले रिमिक का और उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सिम्बा का रोल डोनाल्ड ग्लोर को मिड फरवरी 2017 में दिया गया था जहाँ पे जेम्स एल जॉन्स जिन्होंने सफ़ा का रोल दो हज़ार में किया हुआ था वही वॉइस ओवर वो इस, इस फिल्म में रिप्राइज करते हुए नज़र आए थे उसके बाद में कई ऐसे अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था कुछ एक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ था बाद में इसके वेफ के ऊपर भी काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ था वेफिक्स जैसे कि फिल्म में करीबन फोर्टीन हंड्रेड शॉट थे जिसमें काफ़ी काफ़ी लंबा समय लगा था और किरदारों को जिस तरह से डेवलप किया होता उसमें भी काफ़ी लंका काफ़ी टाइम लगा हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम किया गया था जिस तरह की जो फिल्म बनाई गई थी उस हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था ग्यारह जुलाई दो को इस ट्रैक को रिलीज किया गया था वोल्ड डिजनी ने ही अपने पास राइट्स रखे हुए थे स्पिरिट करके गाना था उसको दस जुलाई दो को रिलीज़ किया हुआ था वैसे ना करीबन 19 इसमें बैकग्राउंड ट्रैक रखे हुए थे जिसको फिल्म में रिलीज़ किया गया था और ये सभी ट्रैक को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक प्यार मिला हुआ था जहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं आप वॉल्ट डिजनी के द्वारा रिलीज़ किया हुआ है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इस मोशन ट्रैक को ऑफिशियली सुन सकते हो कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिम्बा का जो लीड रोल है वो डोनाल्ड क्लोवर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा पुम्बा वाला रोल है वो सेथ रोजन ने प्ले किया हुआ था यंग सिम्बा का रोल जे डी ने प्ले किया हुआ है यानी कि वॉइस ओवर दिया हुआ है स्कार के रोल में चिटर फोर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है शराबी के रोल में एल्फर वुडान ने वॉइस ओवर दिया हुआ है टिमोन के रोल में बिल्ली आचनर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है राफिकी के रोल में जॉन कानी ने वॉइस ओवर दिया हुआ है जाजू के रोल में जॉन ओलिवर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है नाला के रोल में बियॉन्स नॉल्स कार्टर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है मुफासा के रोल में जेम्स अर्ल जॉन्स ने वॉइस ओवर दिया हुआ है वहीं पे फ्लोरा कसुम्बा कीगन मिक के इरिक एंड्रेज आपको सेंजी कमारी और अजीज़ के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा 1994 में कुछ किरदार थे उन सभी किरदारों को जो वॉइस ओवर है वो सेम आर्टिस्ट जिन्होंने 1994 में दिया हुआ था उस उन्होंने वॉइस ओवर दिया हुआ था तो इस तरह से इस वॉइस कास्ट को कास्ट किया गया था अब बात कर लेते इसकी रिलीज़ के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीवुड में 9 जुलाई 2019 को इसको रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस कनाडा और दूसरी सभी कंट्रीज में 19 जुलाई 2019 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई मैक्स फॉर्मेट में जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो लाख पचपन हज़ार वोट मिले जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीनस मिली हुई थी जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे डिज्नी प्लस के द्वारा इससे पहले कई सारी एनिमेटेड फिल्में आई हुई थी उसमें इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया एक मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी ओपनिंग ली हुई थी ग्लोबल आ, जो डेब्यू है इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ था करीबन फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर के साथ नौवीं फिल्म के तौर पर ऑल टाइम फिल्म में जो डेब्यू था इस फिल्म ने किया हुआ था एनिमेशन के तौर पे बिगेस्ट ओपनिंग हुई थी इस फिल्म ने तो इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे जहाँ पे यूएस केनेडा में भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने करीबन सेवनटी सेवन पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे प्रीव्यू के कलेक्शन थे वो इंक्लूड थे मिलियन डॉलर तो इतना US और कनेडा से पहले दिन का कलेक्शन निकल के आया हुआ था फिल्म को सैतालीस थिएटर में रिलीज किया

143.638 डॉलर का कलेक्शन किया था द टेरिटरी से करीबन 1.119 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का टोटल हुआ 1.663 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन था टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी यूएस मिलियन डॉलर जिसके सामने बिलियन 1.6 प्लस बिलियन का कले यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लिया करीबन इस फिल्म ने हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली एनिमेशन फिल्म में अपना मकाम दर्ज किया था और जो हाइस ग्रोसिंग म्यूजिकल फिल्म होती है ऑल्ड टाइम रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था और इस फिल्म ने रीमेक फिल्में जो आती है उसमें भी हाईस्ट ग्रोसिंग रीमेक फिल्म ऑल्ड टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म 2019 की साबित हुई थी और सातवीं ओल्ड टाइम जो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है उसमें उस उसमें अपना नाम दर्ज किया हुआ था जो डेड लाइन हॉलीवुड है उन्होंने नेट प्रॉफिट कुछ फाइव एटी यू मिलियन डॉलर का कैलकुलेट किया हुआ था और सभी एक्सपेंसिज और रिवेन्यूज को उसमें मिक्स किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने मल्टीपल लैंगवेजेज में जब रिलीज किया तब काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अब ओ टी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत कर लेते डिजनी प्लस के पास ओ टी टी राइट्स है सभी वर्जन के लिए वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन के सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के ही पास स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के पास द लायन किंग फिल्म को ऑफिशियली डीवीडी और ब्लू रे अल्ट्रा एच डिजिटल एच फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था 11 अक्टूबर 2019 को और ब्लू रे और अल्ट्रा एच में अक्टूबर 2022 2019 को रिलीज़ किया हुआ था उसके बाद डिजनी प्लस के द्वारा इसको ऑफिशियली 28 जनवरी 2020 को स्ट्रीम करवाया हुआ था जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार को इंडिया में तीन अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया हुआ था इंडिया में और उसमें हिंदी वर्जन भी शामिल था तो फिलहाल में अगर आपको इस फिल्म को के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देख सकते हो जहां पर विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर इस फिल्म को द लाइन किंग नाम के साथ बिल्कुल ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन हिंदी डब का वो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पे इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डिजनी प्लस होटस्टार के हो। ऑफिशियल ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन द लाइन किंग फिल्म को आप मल्टीपल लैंग्वेजेज में हिंदी वर्जन इंक्लूड है उसमें इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी डब सेटेलाइट वर्जन आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में द लायन किंग नाम के साथ देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि द लाइन किंग फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो द लायन किंग जो 2019 की अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है ये फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन भी शामिल था एक एनिमेटेड फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया है जॉन फेवेरियो ने स्क्रीन प्ले जेप नेथरसन का था डिज्नी के द्वारा जो द लायन किंग बनाया गया था एर मेसी जोनाथ रॉबर्ट और लीना वुलवलन के द्वारा क्रिएट किया गया था उसका रीमेक वर्जन है जॉन फेवरी जो फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जेफरी सिल्वर और कैरन ग्लिश गिली गिलक्रिश ने उसको को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को करीबन टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट uh, uh, किया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का रन टाइम 118 मिनट था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक घंटे और अट्ठावन मिनट की फिल्म थी जहां पे पहले इस फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 9 जुलाई 2019 को यूएस में 19 जुलाई 2019 को रिलीज़ किया हुआ था साथ ही में दूसरी सभी टेरिटेज में तभी रिलीज किया हुआ था हंस जेमर्स के द्वारा म्यूजिक दिया हुआ है मार्क लिवंस और एडम गल ने इसको एडिट किया हुआ था करीब दो घंटे लंबा रन टाइम दिया हुआ था केलेब डिस चैनल ने इसको सिनेमाटोग्राफी की हुई थी डोनाल्ड ग्लोवर सेथ रोजान सेवत इजिफॉर्ड एल्फर्ड वुडर बिल्ली एचनर जॉन कानी जॉन ऑलिवर नोलेर कार्टर और जेम्स अलर जॉन्स जैसे कई बड़े एक्टर इसमें अपना वॉइस ओवर देते हुए नजर आएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 28 सितंबर को अनाउंस किया गया था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा कि जॉन फेबर इस फिल्म का यानी कि फोर की एनिमेटेड फिल्म द लाइन किंग का रीमेक करने वाले जहां पे उसके ऊपर बाद में आगे काम किया गया था स्क्रीन प्ले जेफ नेतरसन लिखने वाले रीमेक का और उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था जहां पे सिम्बा का रोल डोनाल्ड ग्लोवर को मिड फरवरी 2017 में दिया गया था जहाँ पे जेम्स एल जॉन्स जिन्होंने सफ़ा का रोल दो हज़ार में किया हुआ था वही वॉइस ओवर वॉइस फिल्म में रिप्राइज करते हुए नज़र आए थे उसके बाद में कई ऐसे अलग अलग, अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था कुछ एक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइस किया हुआ था बाद में इसके वेफिक्स के ऊपर भी काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ था वेफ जैसे कि फिल्म में करीबन फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी थे जिसमें काफ़ी काफ़ी लंबा समय लगा था और किरदारों को जिस तरह से डेवलप किया होता उसमें भी काफ़ी लंका काफ़ी टाइम लगा हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम किया गया था जिस तरह की जो फिल्म बनाई गई थी उस हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था ग्यारह जुलाई दो को इस ट्रैक को रिलीज किया गया था वोल्ड डिजनी ने ही अपने पास राइट्स रखे हुए थे स्पिरिट करके गाना था उसको दस जुलाई दो को रिलीज़ किया हुआ था वैसे करीबन 19 इसमें बैकग्राउंड ट्रैक रखे हुए थे जिसको फिल्म में रिलीज़ किया गया था और ये सभी ट्रैक को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक प्यार मिला हुआ था जहाँ पे अभी फिलहाल मैं आप वॉल डिज्नी के द्वारा रिलीज़ किया हुआ है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इस मोशन ट्रैक को ऑफिशियली सुन सकते हो कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिम्बा का जो लीड रोल है वो डोनाल्ड क्लोवर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा पुम्बा वाला रोल है वो सेथ रोजन ने प्ले किया हुआ था यंग सिम्बा का रोल जे डी ने प्ले किया हुआ है यानी कि वॉइस ओवर दिया हुआ है स्कार के रोल में चिटर इजीफोर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है शराबी के रोल में एल्फर वुडान ने वॉइस ओवर दिया हुआ है टिमोन के रोल में बिल्ली आइचनर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है राफिकी के रोल में जॉन कानी ने वॉइस ओवर दिया हुआ है जाजू के रोल में जॉन ओलिवर ने वॉइस जो ओवर दिया हुआ है नाला के रोल में बियॉन्स नॉल्स कार्टर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है मुफासा के रोल में जेम्स अर्ल जॉन्स ने वॉइस ओवर जो दिया हुआ है वहीं पे फ्लोरा कसुम्बा कीगन मिक के इरिक एंड्रेज आपको सेंजी कमारी और अजीज़ के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा 1994 में कुछ किरदार थे उन सभी किरदारों को जो वॉइस ओवर है वो सेम आर्टिस्ट जिन्होंने 1994 में दिया हुआ था उस उन्होंने ही ओवर दिया हुआ था तो इस तरह से इस वॉइस कास्ट को कास्ट किया गया था अब बात कर लेते इसकी रिलीज़ के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीवुड में 9 जुलाई 2019 को इसको रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस कनाडा कैनेडा और दूसरी सभी कंट्रीज़ में 19 जुलाई 2019 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई 3डी फॉर्मेट में जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो लाख पचपन हज़ार वोट मिले जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे एक बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे डिज्नी प्लस के द्वारा इससे पहले कई सारी एनिमेटेड फिल्में आई हुई थी उसमें इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया एक मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी ओपनिंग ली हुई थी ग्लोबल आ, जो डेब्यू है इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ था करीबन फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर के साथ नौवीं फिल्म के तौर पर ऑल टाइम फिल्म में जो डेब्यू था इस फिल्म ने किया हुआ था एनिमेशन के तौर पे बिगेस्ट ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने तो इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे जहाँ पे यूएस एस कैनेडा में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने करीबन सेवेंटी सेवन पॉइंट नाइन यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे प्रीव्यू के कलेक्शन थे वो इंक्लूड थे ट्वेंटी थ्री यू मिलियन डॉलर तो इतना यू और कैनेडा से पहले दिन का कलेक्शन निकल के आया हुआ था फिल्म को सैतालीस थिएटर में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अपना वीकेंड हासिल किया हुआ था जिस तरह का फिल्म से उम्मीद थी करीबन चार सौ यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन एक्सपेक्ट किया गया था जहाँ पे फिल्म ने उसको भी आसानी से तोड़ दिया <laughs> क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म को काफी बढ़िया कलेक्शन करने में कामयाब रहा जहां पर इस फिल्म ने करीबन यूएस कैनेडा से 143.638 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था टेरिटरी से करीबन 1.119 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का टोटल हुआ 1.663 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन था टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी यूएस मिलियन डॉलर जिसके सामने बिलियन 1.6 प्लस बिलियन का यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लिया करीबन इस फिल्म ने हाइस ओपनिंग लेने वाली एनिमेशन फिल्म में अपना मकाम दर्ज किया था और जो हाइस्ट ग्रोसिंग म्यूजिकल फिल्म होती है ऑल्ड टाइम रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था और इस फिल्म ने रीमेक में जो आती है उसमें भी हाईएस्ट ग्रोसिंग रीमेक फिल्म ऑल टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था ंग हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म 2019 की साबित हुई थी और सातवीं ओल्ड टाइम जो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है उसमें उस उसमें अपना नाम दर्ज किया हुआ था जो डेड लाइन हॉलीवुड है उन्होंने नेट प्रॉफिट कुछ फाइव एटी यू मिलियन डॉलर का कैलकुलेट किया हुआ था और सभी एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज़ को उसमें मिक्स किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने मल्टीपल लैंग्वेजेस में जब रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अब ओ टी के ऊपर बातचीत कर लेते डिजनी प्लस के पास ओ राइट्स है सभी वर्जनस के लिए वहीं पर हिंदी डब्ड वर्जन के सेटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के ही पास स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के पास द लायन किंग फिल्म को ऑफिशियली डीवीडी और ब्लू रे अल्ट्रा एच डी डिजिटल एच डी फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था 11 अक्टूबर 2019 को और ब्लू रे और अल्ट्रा एच डी में अक्टूबर 2022 2019 को रिलीज़ किया हुआ था उसके बाद डिजनी प्लस के द्वारा इसको ऑफिशियली 28 जनवरी 2020 को स्ट्रीम करवाया हुआ था जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार को इंडिया में तीन अप्रैल दो को लॉन्च किया था जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में अवेलेबल किया हुआ था इंडिया में और उसमें हिंदी वर्जन भी शामिल था तो फिलहाल में अगर आपको इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देख सकते हो जहां पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर इस फिल्म को द लाइन किंग नाम के साथ बिल्कुल ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन हिंदी डब का वो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डिजनी प्लस होटस्टार के ऑफिशियल ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन द लाइन किंग फिल्म को आप मल्टीपल लैंग्वेजेज में हिंदी वर्जन इंक्लूड है उसमें इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी डब सेटेलाइट वर्जन आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में द लाइन किंग नाम के साथ देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि द लाएन किंग फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो द लायन किंग जो 2019 की अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है ये फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन भी शामिल था एक एनिमेटेड फिल्म थी जिसको डिरेक्ट किया हुआ है जॉन फेवेरियो ने स्क्रीन प्ले जेफ नेथरसोन का था डिज्नी के द्वारा जो द लाइन किंग बनाया गया था इरन मेसी जोनाथ रॉबर्ट और लीना वुलवल्डन के द्वारा क्रिएट किया गया था उसका रीमेक वर्जन है जॉन फेवेरियो जो फिल्म के डरेक्टर थे उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जेफरी सिल्वर और कैरन ग्लिश गिली गिलक्रिश ने उसको को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे प्रोडक्शन कंपनी वोल्ड डिज्नी पिक्चर्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को करीबन 250 टू टू फी यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट uh, किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का रन टाइम एक मिनट था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक घंटे और अट्ठावन मिनट की फिल्म थी जहां पे फेल इस फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 9 जुलाई 2019 को यूएस में 19 जुलाई 2019 को रिलीज किया हुआ था साथ ही में दूसरी सभी टेरिटरीज में तभी रिलीज किया हुआ था हंस जेमर्स के द्वारा म्यूजिक दिया हुआ है मार्क लिवंस और एडम गर्स्टल ने इसको एडिट किया हुआ था करीबन दो घंटे लंबा रन टाइम दिया हुआ था कैलेब डिस चैनल ने इसको सिनेमाटोग्राफी की हुई थी डोनाल्ड क्लोवर सेथ रोजन सेव इजिफॉर्ड एल्फर्ड वुड बिली एचनर जॉन कानी जॉन ऑलिवर नोलेर कार्टर और जेम्स अल्ला जोन्स जैसे कई बड़े एक्टर इसमें अपना वॉइस ओवर देते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016-28 सितंबर को अनाउंस किया गया था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा कि जॉन फेबर इस फिल्म का यानी कि 1994 नाइनटी फोर की एनीमेटेड फिल्म द लाइन किंग का रीमेक करने वाले जहां पे उसके ऊपर बाद में आगे काम किया गया था स्क्रीन प्ले जेफ नेतरसन लिखने वाले रीमेक का और उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सिम्बा का रोल डोनाल्ड डोनाल्डर को मिड फरवरी 2017 में दिया गया था जहाँ पे जेम्स एल जॉन्स जिन्होंने मुसफा का रोल दो हज़ार में किया हुआ था वही वॉइसोअर वो इस, इस फिल्म में रिप्राइज करते हुए नज़र आए थे उसके बाद में कई ऐसे अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था कुछ एक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ था बाद में इसके वेफिक्स के ऊपर भी काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ था वे जैसे कि फिल्म में करीबन फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी वी एफ एपिसोड थे जिसमें काफ़ी काफ़ी लंबा समय लगा था और किरदारों को जिस तरह से डेवलप किया होता था उसमें भी काफ़ी लंका काफ़ी टाइम लगा हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम किया गया था जिस तरह की जो फिल्म बनाई गई थी उस हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था ग्यारह जुलाई दो को इस ट्रैक को रिलीज़ किया गया था वॉल वोल्डिजनी ने ही अपने पास राइट्स रखे हुए थे स्पिरिट करके एक गाना था उसको दस जुलाई दो को रिलीज़ किया हुआ था वैसे करीबन 19 इसमें बैकग्राउंड ट्रैक रखे हुए थे जिसको फिल्म में रिलीज किया गया था और यह सभी ट्रैक को काफी बढ़िया तरीके से एक प्यार मिला हुआ था जहाँ पे अभी फिलहाल में आप वोल्ड डिज्नी के द्वारा रिलीज किया हुआ है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इस मोशन ट्रैक को ऑफिशियली सुन सकते हो कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिम्बा का जो लुलीड रोल है वो डोनाल्ड क्लोवर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा पुम्बा वाला रोल है वो सेथ रोजन ने प्ले किया हुआ था यंग सिम्बा का रोल जे डी ने प्ले किया हुआ है यानी कि वॉइस ओवर दिया हुआ है स्कार के रोल में चिटर इजीफोर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है शराबी के रोल में एल्फर वुडान ने वॉइस ओवर दिया हुआ है टिमोन के रोल में बिल्ली एचनर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है राफिकी के रोल में जॉन कानी ने वॉइस ओवर दिया हुआ है जाजू के रोल में जॉन ओलिवर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है नाला के रोल में बियॉन्स नॉल्स कार्टर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है मुफासा के रोल में जेम्स अर्ल जॉन्स ने वॉइस ओवर दिया हुआ है वहीं पे फ्लोरा कसुम्बा कीगन मिक के इरिक एंड्रेज आपको सेंजी कमारी और अजीज़ के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा 1994 में कुछ किरदार थे उन सभी किरदारों को जो वॉइस ओवर है वो सेम आर्टिस्ट जिन्होंने 1994 में दिया हुआ था उस उन्होंने वॉइस ओवर दिया हुआ था तो इस तरह से इस वॉइस कास्ट को कास्ट किया गया था अब बात कर लेते इसकी रिलीज़ के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीवुड में 9 जुलाई 2019 को इसको रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस कनाडा और दूसरी सभी कंट्रीज़ में 19 जुलाई 2019 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई 3डी फॉर्मेट में जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो लाख पचपन हज़ार वोट मिले जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे डिज्नी प्लस के द्वारा इससे पहले कई सारी एनिमेटेड फिल्में आई हुई थी उसमें इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया एक मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी ओपनिंग ली हुई थी ग्लोबल आ, जो डेब्यू है इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ था करीबन फोर यू मिलियन डॉलर के साथ नौवीं फिल्म के तौर पर ऑल टाइम फिल्म में जो डेब्यू था इस फिल्म ने किया हुआ था एनिमेशन के तौर पे बिगेस्ट ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने तो इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे जहाँ पे यूएस एस कैनेडा में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने करीबन सेवेंटी सेवन पॉइंट नाइन यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे प्रीव्यू के कलेक्शन थे वो इंक्लूड थे ट्वेंटी थ्री यू मिलियन डॉलर तो इतना यू और कैनेडा से पहले दिन का कलेक्शन निकल के आया हुआ था फिल्म को सैतालीस थिएटर में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अपना वीकेंड हासिल किया हुआ था जिस तरह का फिल्म से उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था अदर से भी फिल्म ने कलेक्शन किया था दस दिनों में करीबन चार सौ यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन एक्सपेक्ट किया गया था द टेरीटे टेरी से जहां पर फिल्म ने उसको भी आसानी से तोड़ दिया क्रिटिक्स ऑडियंस का टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म को काफी बढ़िया कलेक्शन करने में कामयाब रहा जहां पर इस फिल्म ने करीबन यूएस कनाडा से फाइव 143.638 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था द टेरिटरी से करीबन 1.119 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का टोटल हुआ 1.663 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन जहां पे फिल्म का बजट करीबन था टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी यू मिलियन डॉलर जिसके सामने बिलियन वन पॉइंट सिक्स प्लस बिलियन का यू एस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लिया करीबन इस फिल्म ने हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली एनिमेशन फिल्म में अपना मकाम दर्ज किया था और जो हाइएस्ट ग्रोसिंग म्यूजिकल फिल्म होती है ऑल्ड टाइम रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था और इस फिल्म ने रीमेक फिल्में जो आती है उसमें भी हाईस्ट ग्रोसिंग रीमेक फिल्म ऑल्ड टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था था हाईएस्ट हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म 2019 की साबित हुई थी और सातवीं ओल्ड टाइम जो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है उसमें उस उसमें अपना नाम दर्ज किया हुआ था जो डेडलाइन हॉलीवुड है उन्होंने नेट प्रॉफिट कुछ फाइव एटी यू मिलियन डॉलर का कैलकुलेट किया हुआ था और सभी एक्सपेंसेस और रिवीन्यूज़ को उसमें मिक्स किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने मल्टीपल लैंग्वेजेस में जब रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अब ओ टी के ऊपर बातचीत कर लेते डिजनी प्लस के पास ओ टी राइट्स है सभी वर्जनस के लिए वहीं पर हिंदी डब्ड वर्जन के सेटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के ही पास है स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के पास द लायन किंग फिल्म को ऑफ़िशियली डीवीडी और ब्लू रे अल्ट्रा एच डिजिटल एच फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था 11 अक्टूबर 2019 को और ब्लू रे और अल्ट्रा एच में अक्टूबर 2022 2019 को रिलीज़ किया हुआ था उसके बाद डिजनी प्लस के द्वारा इसको ऑफिशियली 28 जनवरी 2020 को स्ट्रीम करवाया हुआ था जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार को इंडिया में तीन अप्रैल दो को लॉन्च किया था जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल किया था इंडिया में और उसमें हिंदी वर्जन भी शामिल था तो फिलहाल में अगर आपको इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहां पर विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर इस फिल्म को द लाइन किंग नाम के साथ बिल्कुल ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन हिंदी डब का वो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर फिल्म को हिंदी डब वर्जन बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डिजनी प्लस होटस्टार के हो। ऑफिशियल ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन द लाइन किंग फिल्म को आप मल्टीपल लैंग्वेजेज में हिंदी वर्जन इंक्लूड है उसमें इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी डब सेटेलाइट वर्जन आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में द लाइन किंग नाम के साथ देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि द लाइन किंग फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो द लायन किंग जो 2019 की अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फ़िल्म है ये फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन भी शामिल था एक एनिमेटेड फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ जॉन फेवेरियो ने स्क्रीन प्ले जेफ नेथरसोन का था डिज्नी के द्वारा जो द लाइन किंग बनाया गया था इरेन मेसी जोनाथ रॉबर्ट और लीना वुलवलन के द्वारा क्रिएट किया गया था उसका रीमेक वर्जन है जॉन फेवेरियो जो फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जेफरी सिल्वर और कैरन गलिश गिल गिलक्रिश ने उसको को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को करीबन टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट uh, uh, किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का रन टाइम 118 मिनट था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक घंटे और अट्ठावन मिनट की फिल्म थी जहां पे पहले इस फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज किया गया था 9 जुलाई 2019 को यूएस में 19 जुलाई 2019 को रिलीज किया हुआ था साथ ही में दूसरी सभी टेरिटरीज में तभी रिलीज किया हुआ था हंस जेमर्स के द्वारा म्यूजिक दिया हुआ है मार्क लिवंस और एडम गल ने इसको एडिट किया हुआ था करीब दो घंटे लंबा रन टाइम दिया हुआ था कैलेबिस चैनल ने इसको सिनेमेटोग्राफी की हुई थी डोनाल्ड ग्लोवर सेविफोर्ड एल्फर्ड वुडरा, बिली, बिल्ली इचनर जॉन कानी जॉन ऑलिवर नोलेर कार्टर और जेम्स अलर जॉन्स जैसे कई बड़े एक्टर इसमें अपना वॉइस ओवर देते हुए नजर आएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 28 सितंबर को अनाउंस किया गया था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा कि जॉन फेबर इस फिल्म का यानी कि 1994 की एनिमेटेड फिल्म द लाइन किंग का रीमेक करने वाले जहां पे उसके ऊपर बाद में आगे काम किया गया था स्क्रीन प्ले जेफ नेतरसन लिखने वाले रीमेक का और उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सिम्बा का रोल डोनाल्ड डोनल्डर को मिड फरवरी 2017 में दिया गया था जहाँ पे जेम्स एल जॉनस जिन्होंने मुसफा का रोल दो हज़ार में किया हुआ था वही वॉइस ओवर वो इस फिल्म में रिप्राइज करते हुए नज़र आए थे उसके बाद में कई ऐसे अलग अलग, अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था कुछ एक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइस किया हुआ था बाद में इसके वे के ऊपर भी काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ था वेफिक्स जैसे कि फिल्म में करीबन फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी वी एफ एपिसोड थे जिसमें काफ़ी काफ़ी लंबा समय लगा था और किरदारों को जिस तरह से डेवलप किया होता था उसमें भी काफ़ी लंका काफ़ी टाइम लगा हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम किया गया था जिस तरह के जो फिल्म बनाई गई थी उस हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था ग्यारह जुलाई दो को इस ट्रैक को रिलीज़ किया गया था वोल्डिजनी ने ही अपने पास राइट्स रखे हुए थे स्पिरिट करके एक गाना था उसको दस जुलाई दो को रिलीज़ किया हुआ था वैसे करीबन 19 इसमें बैकग्राउंड ट्रैक रखे हुए थे जिसको फिल्म में रिलीज़ किया गया था और यह सभी ट्रैक को काफी बढ़िया तरीके से एक प्यार मिला हुआ था जहाँ पे अभी फिलहाल में आप वोल्ड डिज्नी के द्वारा रिलीज़ किया हुआ है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इस मोशन ट्रैक को ऑफिशियली सुन सकते हो कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिम्बा का जो लीड रोल है वो डोनाल्ड क्लोवर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा पुम्बा वाला रोल है वो सेथ रोजन ने प्ले किया हुआ था यंग सिम्बा का रोल जेडी डी ने प्ले किया हुआ है यानि कि वॉइस ओवर दिया हुआ है स्कार के रोल में चिटर फोर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है सराबी के रोल में एल्फर वुडान ने वॉइस ओवर दिया हुआ है टिमोन के रोल में बिल्ली एचनर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है राफिकी के रोल में जॉन कानी ने वॉइस ओवर दिया हुआ है जाजू के रोल में जॉन ओलिवर ने वॉइज ओवर दिया हुआ है नाला के रोल में बियॉन्स नॉल्स कार्टर ने वॉइज ओवर दिया हुआ है मुफासा के रोल में जेम्स अर्ल जॉन्स ने वॉइज ओवर दिया हुआ है वहीं पे फ्लोरा कसुम्बा कीगन मिक के इरिक एंड्रेज आपको सेंजी कमारी और अजीज़ के रोल में वॉइज ओवर देते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा 1994 में कुछ किरदार थे उन सभी किरदारों को जो वॉइज़ ओवर है वो सेम आर्टिस्ट जिन्होंने 1994 में दिया हुआ उस उन्होंने वॉइस और दिया हुआ था तो इस तरह से इस वॉइस कास्ट को कास्ट किया गया था अब बात कर लेते हैं इसकी रिलीज़ के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीवुड में 9 जुलाई 2019 को इसको रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस कैनेडा और दूसरी सभी कंट्रीज़ में 19 जुलाई 2019 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई मैक्स फॉर्मेट में जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो लाख पचपन हज़ार वोट मिले जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीनस मिली हुई थी जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे एक बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे डिज्नी प्लस के द्वारा इससे पहले कई सारी एनिमेटेड फिल्में आई हुई थी उसमें इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया एक मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी ओपनिंग ली हुई थी ग्लोबल आ, जो डेब्यू है इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ था करीबन फोर यूएस मिलियन डॉलर के साथ नौवीं फिल्म के तौर पर ऑल टाइम फिल्म में जो डेब्यू था इस फिल्म ने किया हुआ था एनिमेशन के तौर पे बिगेस्ट ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने तो इस फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे जहाँ पे यूएस कैनेडा में भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने करीबन सेवेंटी सेवन पॉइंट नाइन यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे प्रीव्यू के कलेक्शन थे वो इंक्लूड थे ट्वेंटी थ्री यू मिलियन डॉलर तो इतना यू और कनेडा से पहले दिन का कलेक्शन निकल के आया हुआ था फिल्म को सैतालीस थिएटर में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अपना वीकेंड हासिल किया हुआ था जिस तरह का फिल्म से उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था अदर टेरी, टेरी से भी फिल्म ने कलेक्शन किया था दस दिनों में करीबन चार सौ यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन एक्सपेक्ट किया गया था द टेरीटेरी से जहां पर इस फिल्म ने उसको भी आसानी से तोड़ दिया क्रिटिक्स <laughs> ऑडियंस का टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म को काफी बढ़िया कलेक्शन करने में कामयाब रहा जहां पर इस फिल्म ने करीबन यूएस कैनेडा से फाइव 43.638 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था द टेरिटरी से करीबन 1.119 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का टोटल हुआ 1.663 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन जहां पे फिल्म का बजट करीबन था uh, 250 टू 260 यूएस मिलियन डॉलर जिसके सामने बिलियन 1.6 प्लस बिलियन का कलेक्ट यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लिया करीबन इस फिल्म ने हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली एनिमेशन फिल्म में अपना मकाम दर्ज किया था और जो हाइस्ट ग्रोसिंग म्यूजिकल फिल्म होती है ओल्ड टाइम रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था और इस फिल्म ने रीमेक फिल्में जो आती है उसमें भी हाइस्ट ग्रोसिंग रिमेक फिल्म ऑल्ड टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था सेकंड हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म 2019 की साबित हुई थी और सातवीं ओल्ड टाइम जो एस्ट तो ग्रोसिंग फिल्म है उसमें उस उसमें अपना नाम दर्ज किया हुआ था जो डेड लाइन हॉलीवुड है उन्होंने नेट प्रॉफिट कुछ फाइव एटी यू मिलियन डॉलर का कैलकुलेट किया हुआ था और सभी एक्सपेंसिज और रिवेन्यूज को उसमें मिक्स किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने मल्टीपल लैंग्वेज में जब रिलीज किया तब काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अब ओ टी के ऊपर बातचीत कर लेते डिजनी प्लस के पास ओ टी टी राइट है सभी वर्जन के लिए वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन के सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के ही पास है स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के पास द लायन किंग फिल्म को ऑफिशियली डीवीडी और ब्लू रे अल्ट्रा एच डिजिटल एच फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था 11 अक्टूबर 2019 को और ब्लू रे और अल्ट्रा एच में अक्टूबर 2022 2019 को रिलीज़ किया हुआ था उसके बाद डिजनी प्लस के द्वारा इसको ऑफिशियली 28 जनवरी 2020 को स्ट्रीम करवाया हुआ था जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार को इंडिया में तीन अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया हुआ था इंडिया में और उसमें हिंदी वर्जन भी शामिल था तो फिलहाल में अगर आपको इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देख सकते हो जहां पर विथ इंग्लिश सब टाइटल को हिंदी के साथ साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर इस फिल्म को द लाइन किंग नाम के साथ बिल्कुल ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन हिंदी डब का वो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डिजनी प्लस होटस्टार के ऑफिशियल ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन द लाइन किंग फिल्म को आप मल्टीपल लैंग्वेज में हिंदी वर्जन इंक्लूड है उसमें इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी डब सेटेलाइट वर्जन आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में द लायन किंग नाम के साथ देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि द लाइन किंग फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो द लायन किंग जो 2019 की अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फ़िल्म है ये फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में रिलीज किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन भी शामिल था एक एनिमेटेड फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ जॉन फेवेरियो ने स्क्रीन प्ले जेप नेथरसोन का था डिज्नी के द्वारा जो द लाइन किंग बनाया गया था एरन मेसी जोनाथ रॉबर्ट और लीना वुड के द्वारा क्रिएट किया गया था उसका रीमेक वर्जन है जॉन फेवेरियो जो फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जेफरी सिल्वर और केरन गिल गिलक्रिश ने उसको को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और फेयर व्यू इंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को करीबन टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट uh, किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का रन टाइम 118 सौ मिनट था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक घंटे और अट्ठावन मिनट की फिल्म थी जहां पे पहले इस फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज किया गया था 9 जुलाई 2019 को यूएस में 19 जुलाई 2019 को रिलीज़ किया हुआ था साथ ही में दूसरी सभी टेरिटेज में तभी रिलीज किया हुआ था हंस जेमर्स के द्वारा म्यूजिक दिया हुआ है मार्क लिवंस और एडम गल ने इसको एडिट किया हुआ था करीब दो घंटे लंबा रन टाइम दिया हुआ था कैलेब डिस चैनल ने इसको सिनेमाटोग्राफी की हुई थी डोनाल्ड ग्लोवर सेथ रोजान सेविफॉर्ड एल्फर्ड वुड बिली एचनर जॉन कानी जॉन ऑलिवर नोलेर, कार्टर और जेम्स अलर जॉन्स जैसे कई बड़े एक्टर इसमें अपना वॉइस ओवर देते हुए नजर आएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 28 सितंबर को अनाउंस किया गया था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा कि जून फेब्रिय इस फिल्म का यानी कि 1994 के की एनिमेटेड फिल्म द लाइन किंग का रीमेक करने वाले जहां पे उसके ऊपर बाद में आगे काम किया गया था स्क्रीन प्ले जेफ नेतरसन लिखने वाले रीमेक का और उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सिम्बा का रोल डोनाल्ड लोअर को मिड फरवरी 2017 में दिया गया था जहाँ पे जेम्स एल जॉन्स जिन्होंने मुसफा का रोल दो हज़ार में किया हुआ था वही वॉइजोवर वो इस फिल्म में रिप्राइज करते हुए नज़र आए थे उसके बाद में कई ऐसे अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था कुछ एक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ था बाद में इसके वेफिक्स के ऊपर भी काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ था वेफिक्स जैसे कि फिल्म में करीबन फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी वी एफ एपिसोड थे जिसमें काफ़ी काफ़ी लंबा समय लगा था और किरदारों को जिस तरह से डेवलप किया होता उसमें भी काफ़ी लंका काफ़ी टाइम लगा हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम किया गया था जिस तरह की जो फिल्म बनाई गई थी उस हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था ग्यारह जुलाई दो को इस ट्रैक को रिलीज़ किया गया था वोल्ड डिजनी ने ही अपने पास राइट्स रखे हुए थे स्पिरिट करके गाना था उसको दस जुलाई दो को रिलीज़ किया हुआ था वैसे करीबन 19 इसमें बैकग्राउंड ट्रैक रखे हुए थे जिसको फिल्म में रिलीज़ किया गया था और यह सभी ट्रैक को काफी बढ़िया तरीके से एक प्यार मिला हुआ था जहाँ पे अभी फिलहाल मैं आप वोल्ड डिज्नी के द्वारा रिलीज़ किया हुआ है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इस मोशन ट्रैक को ऑफिशियली सुन सकते हो कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिम्बा का जो लीड रोल है वो डोनाल्ड क्लोवर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा पुम्बा वाला रोल है वो सेथ रोजन ने प्ले किया हुआ था यंग सिम्बा का रोल जेडी डी ने प्ले किया हुआ है यानी कि वॉइस ओवर दिया हुआ है स्कार के रोल में चिटर फोर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है सराबी के रोल में एल्फर वुडान ने वॉइस ओवर दिया हुआ है टिमोन के रोल में बिल्ली आइचनर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है राफिकी के रोल में जॉन कानी ने वॉइस ओवर दिया हुआ है जाजू के रोल में जॉन ओलिवर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है नाला के रोल में बियॉन्स नॉल्स कार्टर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है मुफासा के रोल में जेम्स अर्ल जॉन्स ने वॉइस ओवर दिया हुआ है वहीं पे फ्लोरा कसुम्बा कीगन मिक के इक एंड्रेज आपको सेंजी कमारी और अजीज के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा 1994 में कुछ किरदार थे उन सभी किरदारों को जो वॉइस ओवर है वो सेम आर्टिस्ट जिन्होंने 1994 में दिया हुआ था उस उन्होंने ही वॉइस ओवर दिया हुआ था तो इस तरह से इस वॉइस कास्ट को कास्ट किया गया था अब बात कर लेते इसकी रिलीज़ के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीवुड में 9 जुलाई 2019 को इसको रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस कनाडा और दूसरी सभी कंट्रीज में 19 जुलाई 2019 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई 3डी फॉर्मेट में जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो लाख पचपन हज़ार वोट मिले जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन्स मिली हुई थी जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे डिज्नी प्लस के द्वारा इससे पहले कई सारी एनिमेटेड फिल्में आई हुई थी उसमें इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया एक मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी ओपनिंग ली हुई थी ग्लोबल आ, जो डेब्यू है इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ था करीबन फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर के साथ नौवीं फिल्म के तौर पर ऑल टाइम फिल्म में जो डेब्यू था इस फिल्म ने किया हुआ था एनिमेशन के तौर पे बिगेस्ट ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने तो इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे जहाँ पे यूएस एस कैनेडा में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने करीबन सेवेंटी सेवन पॉइंट नाइन यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे प्रीव्यू के कलेक्शन थे वो इंक्लूड थे ट्वेंटी थ्री यू मिलियन डॉलर तो इतना यू और कैनेडा से पहले दिन का कलेक्शन निकल के आया हुआ था फिल्म को सैतालीस थिएटर में रिलीज किया हुआ था जहां इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अपना वीकेंड हासिल किया हुआ था जिस तरह का फिल्म से उम्मीद थी उससे कहीं करते। फिल्म ने काफ़ी करीबन चार सौ पचास मिलियन डॉलर का कलेक्शन एक्सपेक्ट किया गया था जहां पर फिल्म ने उसको भी आसानी से तोड़ दिया <laughs> क्रिटिक्स ऑडियंस का टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म को काफी बढ़िया कलेक्शन करने में कामयाब रहा जहां पर इस फिल्म ने करीबन यूएस कैनेडा से फाइव 143.638 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था द टेरिटरी से करीबन 1.119 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का टोटल हुआ 1.663 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन जहां पे फिल्म का बजट करीबन था uh, 250 टू 260 यूएस मिलियन डॉलर जिसके सामने बिलियन 1.6 प्लस बिलियन का कलेक्ट यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लिया करीबन इस फिल्म ने हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली एनिमेशन फिल्म में अपना मकाम दर्ज किया था और जो हाइस्ट ग्रोसिंग म्यूजिकल फिल्म होती है ओल्ड टाइम रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था और इस फिल्म ने रीमेक फिल्में जो आती है उसमें भी हाइस्ट ग्रोसिंग रीमेक फिल्म ओल्ड टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था सेकंड हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म 2019 की साबित हुई थी और सातवीं ओल्ड टाइम जो हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म है उसमें उस उसमें अपना नाम दर्ज किया हुआ था जो डेड लाइन हॉलीवुड है उन्होंने नेट प्रॉफिट कुछ फाइवी यू एस मिलियन डॉलर का कैलकुलेट किया हुआ था और सभी एक्सपेंसि और रिवीन्यूज को उसमें मिक्स किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने मल्टीपल लैंगवेज में जब रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अब ओ टी के ऊपर बातचीत कर लेते डिजनी प्लस के पास ओ टी टी राइट्स है सभी वर्जनस के लिए वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन के सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के ही पास स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के पास द लायन किंग फिल्म को ऑफ़िशियली डीवीडी और ब्लू रे अल्ट्रा एच डिजिटल एच फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था 11 अक्टूबर 2019 को और ब्लू रे और अल्ट्रा एच में अक्टूबर 2022 2019 को रिलीज़ किया हुआ था उसके बाद डिजनी प्लस के द्वारा इसको ऑफिशियली 28 जनवरी 2020 को स्ट्रीम करवाया हुआ था जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार को इंडिया में तीन अप्रैल दो को लॉन्च किया था जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में अवेलेबल किया हुआ था इंडिया में और उसमें हिंदी वर्जन भी शामिल था तो फिलहाल में अगर आपको इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देख सकते हो जहां पर विथ इंग्लिश सब टाइटल को हिंदी के साथ साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर इस फिल्म को द लाइन किंग नाम के साथ बिल्कुल ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन हिंदी डब का वो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहाँ पर फिल्म को हिंदी डब वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डिजनी प्लस होटस्टार के हो। ऑफिशियल ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन द लाइन किंग फिल्म को आप मल्टीपल लैंग्वेजेज में हिंदी वर्जन इंक्लूड है उसमें इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी डब सेटेलाइट वर्जन आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में द लाइन किंग नाम के साथ देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि द लाइन किंग फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो द लायन किंग जो 2019 की अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फ़िल्म है ये फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में रिलीज किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन भी शामिल था एक एनिमेटेड फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ जॉन फेवेरियो ने स्क्रीन प्ले जेप नेथरसोन का था डिज्नी के द्वारा जो द लाइन किंग बनाया गया था एरन मेसी जोनाथ रॉबर्ट और लीना वर्डर के द्वारा क्रिएट किया गया था उसका रीमेक वर्जन है जॉन फेवेरियो जो फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जेफरी सिल्वर और केरन गलिश गिल गिलक्रिश ने उसको को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को करीबन 250 टू 260 यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का रन टाइम एक मिनट था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक घंटे और अट्ठावन मिनट की फिल्म थी जहाँ पे फेल इस फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 9 जुलाई 2019 को यूएस में 19 जुलाई 2019 को रिलीज़ किया हुआ था साथ ही में दूसरी सभी टेरिटरीज़ में तभी रिलीज़ किया हुआ था हंस जेमर्स के द्वारा म्यूजिक दिया हुआ है मार्क लिवंस और एडम गस्टल ने इसको एडिट किया हुआ था करीबन दो घंटे लंबा रन टाइम दिया हुआ था केलेब डिस्चनल ने इसको सिनेमाटोग्राफी की हुई थी डोनाल्ड क्लोवर सेथ रोजाना सेवथ इजिफोर्ड एल्फ़र्ड वुडर अर्फ बिल्ली इचनर जॉन कानी जॉन ऑलिवर नोलेर, कार्टर और जेम्स अलर जॉन्स जैसे कई बड़े एक्टर इसमें अपना वॉइस ओवर देते हुए नजर आएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 28 सितंबर को अनाउंस किया गया था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा कि जॉन फेब्रियो इस फिल्म का यानी कि 1994 की एनिमेटेड फिल्म द लाइन किंग का रीमेक करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर बाद में आगे काम किया गया था स्क्रीन प्ले जेफ नेतासन लिखने वाले रिमेक का और उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सिम्बा का रोल डोनाल्ड ग्लोर को मिड फरवरी 2017 में दिया गया था जहाँ पे जेम्स एल जॉन्स जिन्होंने सफ़ा का रोल दो हज़ार में किया हुआ था वही वॉइस ओवर वो, वो इस फिल्म में रिप्राइज करते हुए नजर आए थे उसके बाद में कई ऐसे अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था कुछ एक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ था बाद में इसके वेफिक्स के ऊपर भी काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ था वेफ जैसे कि फिल्म में करीबन फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी शॉट थे जिसमें काफ़ी काफ़ी लंबा समय लगा था और किरदारों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसमें भी काफ़ी लंका काफ़ी टाइम लगा हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम किया गया था जिस तरह की जो फिल्म बनाई गई थी उस हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था ग्यारह जुलाई दो को इस ट्रैक को रिलीज किया गया था वॉल डिजनी ने ही अपने पास राइट्स रखे हुए थे स्पिरिट करके गाना था उसको दस जुलाई दो को रिलीज़ किया हुआ था वैसे ना करीबन 19 इसमें बैकग्राउंड ट्रैक रखे हुए थे जिसको फिल्म में रिलीज़ किया गया था और ये सभी ट्रैक को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक प्यार मिला हुआ था जहाँ पे अभी फिलहाल में आप वोल्ड डिज्नी के द्वारा रिलीज़ किया हुआ है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इस मोशन ट्रैक को ऑफिशियली सुन सकते हो कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिम्बा का जो लली रोल है वो डोनाल्ड क्लोवर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा पुम्बा वाला रोल है वो सेथ रोजन ने प्ले किया हुआ था यंग सिम्बा का रोल जे डी मेक्राई ने प्ले किया हुआ है यानि कि वॉइस ओवर दिया हुआ है स्कार के रोल में चिटर फोर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है सराबी के रोल में एल्फर वुडान ने वॉइस ओवर दिया हुआ है टिमोन के रोल में बिल्ली आचनर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है राफिकी के रोल में जॉन कानी ने वॉइस ओवर दिया हुआ है जाजू के रोल में जॉन ओलिवर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है नाला के रोल में बियस नॉल्स कार्टर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है मुफासा के रोल में जेम्स अर्ल जॉन्स ने वॉइस ओवर दिया हुआ है वहीं पे फ्लोरा कसुम्बा कीगन मिक के इरिक एंड्रेज आपको सेंजी कमारी और अजीज के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा 1994 में कुछ किरदार थे उन सभी किरदारों को जो वॉइस ओवर है वो सेम आर्टिस्ट जिन्होंने 1994 में दिया हुआ था उस उन्होंने वॉइस ओवर दिया हुआ था तो इस तरह से इस वॉइस कास्ट को कास्ट किया गया था अब बात कर लेते इसकी रिलीज़ के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीवुड में 9 जुलाई 2019 को इसको रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस कनाडा और दूसरी सभी कंट्रीज़ में 19 जुलाई 2019 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई मैक्स फॉर्मेट में जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो लाख पचपन हज़ार वोट मिले जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीनस मिली हुई थी जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे एक बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे डिज्नी प्लस के द्वारा इससे पहले कई सारी एनिमेटेड फ़िल्में आई हुई थी उसमें इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया एक मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी ओपनिंग ली हुई थी ग्लोबल जो डेब्यू है इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ था करीबन फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर के साथ नौवीं फिल्म के तौर पर ऑल टाइम फिल्म में जो डेब्यू था इस फिल्म ने किया हुआ था एनिमेशन के तौर पे बिगेस्ट ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने तो इस फिल्म, काफी में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे पे यूएस में फिल्म फिल्म ने ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया हुआ था पे पहले दिन इस करीबन मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहां पे थर्सडे प्रीव्यू के कलेक्शन थे वो इंक्लूड थे ट्वेंटी थ्री यूएस मिलियन डॉलर तो इतना यूएस और कैनेडा से पहले दिन का कलेक्शन निकल के आया हुआ था फिल्म को सैतालीस पच्चीस थिएटर में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अपना वीकेंड हासिल किया हुआ था जिस तरह का फिल्म से उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था अदर टेरी, टेरी से भी फिल्म ने कलेक्शन किया था दस दिनों में करीबन चार सौ यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन एक्सपेक्ट किया गया था अदर टेरी, टेरी से जहाँ पे इस फिल्म ने उसको भी आसानी से तोड़ दिया क्रिटिक्स ऑडियंस का टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म को काफी बढ़िया कलेक्शन करने में कामयाब रहा जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन यूएस कनाडा से 543.638 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था द टेरिटरी से करीबन 1.119 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का टोटल हुआ 1.663 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन जहां पे फिल्म का बजट करीबन था टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी यू मिलियन डॉलर जिसके सामने बिलियन 1.6 प्लस बिलियन का यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लिया करीबन इस फिल्म ने हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली एनिमेशन फिल्म में अपना मकाम दर्ज किया था और जो हाइएस्ट ग्रोसिंग म्यूजिकल फिल्म होती है ऑल्ड टाइम रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था और इस फिल्म ने रीमेक फिल्में जो आती है उसमें भी हाईस्ट ग्रोसिंग रीमेक फिल्म ऑल्ड टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था था हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म 2019 की साबित हुई थी और सातवीं ओल्ड टाइम जो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है उसमें उस उसमें अपना नाम दर्ज किया हुआ था जो डेडलाइन हॉलीवुड है उन्होंने नेट प्रॉफिट कुछ फाइव एटी यू मिलियन डॉलर का कैलकुलेट किया हुआ था और सभी एक्सपेंसेस और रिवीन्यूज़ को उसमें मिक्स किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने मल्टीपल लैंग्वेजेस में जब रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अब ओ टी के ऊपर बातचीत कर लेते डिजनी प्लस के पास ओ टी राइट्स है सभी वर्जनस के लिए वहीं पर हिंदी डब्ड वर्जन के सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के ही पास है स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के पास द लायन किंग फिल्म को ऑफ़िशियली डीवीडी और ब्लू रे अल्ट्रा एच डिजिटल एच फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था 11 अक्टूबर 2019 को और ब्लू रे और अल्ट्रा एच में अक्टूबर 2022 2019 को रिलीज़ किया हुआ था उसके बाद डिजनी प्लस के द्वारा इसको ऑफिशियली 28 जनवरी 2020 को स्ट्रीम करवाया हुआ था जहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार को इंडिया में तीन अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया था इंडिया में और उसमें हिंदी वर्जन भी शामिल था तो फिलहाल में अगर आपको इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देख सकते हो जहां पर विथ इंग्लिश सब टाइटल को हिंदी के साथ साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर इस फिल्म को द लाइन किंग नाम के साथ बिल्कुल ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन हिंदी डब का वो स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर फिल्म को हिंदी डब वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डिजनी प्लस होटस्टार के ऑफिशियल ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथिंग इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन द लाइन किंग फिल्म को आप मल्टीपल लैंग्वेजेज में हिंदी वर्जन इंक्लूड है उसमें इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी डब सेटेलाइट वर्जन आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में द लाइन किंग नाम के साथ देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि द लाएन किंग फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो द लायन किंग जो 2019 की अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फ़िल्म है ये फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में रिलीज किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन भी शामिल था एक एनिमेटेड फिल्म थी जिसको डिरेक्ट किया हुआ जॉन फेवेरियो ने स्क्रीन प्ले जेफ नेथरसोन का था डिज्नी के द्वारा जो द लाइन किंग बनाया गया था एरन मेसी जोनाथ रॉबर्ट और लीना वुलवलन के द्वारा क्रिएट किया गया था उसका रीमेक वर्जन है जॉन फेवेरियो जो फिल्म के डरेक्टर थे उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जेफरी सिल्वर और केरन गिली गिलक्रिश ने उसको को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को करीबन टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट uh, किया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का रन टाइम एक सौ अट्ठारह मिनट था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक घंटे और अट्ठावन मिनट की फिल्म थी जहां पे फेल इस फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज किया गया था 9 जुलाई 2019 को यूएस में 19 जुलाई 2019 को रिलीज़ किया हुआ था साथ ही में दूसरी सभी टेरिटरीज में तभी रिलीज किया हुआ था हंस जेमर्स के द्वारा म्यूजिक दिया हुआ है मार्क लिवंस और एडम गल ने इसको एडिट किया हुआ था दो घंटे लंबा रन टाइम दिया हुआ था केलेबिस चैनल ने इसको सिनेमाटोग्राफी की हुई थी डोनाल्ड क्लोवर सेवत इजिफॉर्ड एल्फर्ड वर्फ बिली एच जॉन कानी जॉन ओलिवर बियस नोल कार्टर और जेम्स अलर जॉन्स जैसे कई बड़े एक्टर इसमें अपना वॉइस ओवर देते हुए नजर आएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 28 सितंबर को अनाउंस किया गया था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा कि जॉन फेब्रियो इस फिल्म का यानी कि 1994 की एनिमेटेड फिल्म द लाइन किंग का रीमेक करने वाले जहाँ पे उसके ऊपर बाद में आगे काम किया गया था स्क्रीन प्ले जेफ़ नेता लिखने वाले रिमिक का और उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सिम्बा का रोल डोनाल्ड डोनाल्डर को मिड फरवरी 2017 में दिया गया था जहाँ पे जेम्स एल जॉन्स जिन्होंने भूसफा का रोल दो हज़ार में किया हुआ था वही वॉइसोर वो इस, इस फिल्म में रिप्राइज करते हुए नज़र आए थे उसके बाद में कई ऐसे अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था कुछ एक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ था बाद में इसके वे के ऊपर भी काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ था वे जैसे कि फिल्म में करीबन फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी वी एफ एपिसोड थे जिसमें काफ़ी काफ़ी लंबा समय लगा था और किरदारों को जिस तरह से डेवलप किया होता उसमें भी काफ़ी लंबा काफ़ी टाइम लगा हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम किया गया था जिस तरह की जो फिल्म बनाई गई थी उस हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था ग्यारह जुलाई दो को इस ट्रैक को रिलीज किया गया था वोल्डिजनी ने ही अपने पास राइट्स रखे हुए थे स्पिरिट करके गाना था उसको दस जुलाई दो को रिलीज़ किया हुआ था वैसे करीबन 19 इसमें बैकग्राउंड ट्रैक रखे हुए थे जिसको फिल्म में रिलीज किया गया था और ये सभी ट्रैक को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक प्यार मिला हुआ था जहाँ पे अभी फिलहाल में आप वोल्ड डिजनी के द्वारा रिलीज़ किया हुआ है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इस मोशन ट्रैक को ऑफिशियली सुन सकते हो कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिम्बा का जो लली रोल है वो डोनाल्ड क्लोवर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा पुम्बा वाला रोल है वो सेथ रोजन ने प्ले किया हुआ था यंग सिम्बा का रोल जे डी मेकर ने प्ले किया हुआ है यानी कि वॉइस ओवर दिया हुआ है स्कार के रोल में चिटर फोर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है सराबी के रोल में एल्फर वुडान ने वॉइस ओवर दिया हुआ है टिमोन के रोल में बिल्ली एचनर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है राफिकी के रोल में जॉन कानी ने वॉइस ओवर दिया हुआ है जाजू के रोल में जॉन ओलिवर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है नाला के रोल में बियॉन्स नॉल्स कार्टर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है मुफासा के रोल में जेम्स अर्ल जॉन्स ने वॉइस ओवर दिया हुआ है वहीं पे फ्लोरा कसुम्बा किगन मिक के इरिक एंड्रेज आपको सेंजी कमारी और अजीज़ के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा 1994 में कुछ किरदार थे उन सभी किरदारों को जो वॉइस ओवर है वो सेम आर्टिस्ट जिन्होंने 1994 में दिया हुआ था उस उन्होंने ही ओवर दिया हुआ था तो इस तरह से इस वॉइस कास्ट को कास्ट किया गया था अब बात कर लेते इसकी रिलीज़ के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीवुड में 9 जुलाई 2019 को इसको रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस कनाडा और दूसरी सभी कंट्रीज़ में 19 जुलाई 2019 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई 3डी फॉर्मेट में जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम पे करीबन दो लाख पचपन हज़ार वोट मिले जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे डिज्नी प्लस के द्वारा इससे पहले कई सारी एनिमेटेड फिल्में आई हुई थी उसमें इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया एक मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी ओपनिंग ली हुई थी ग्लोबल आ, जो डेब्यू है इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ था करीबन फोर यू मिलियन डॉलर के साथ नौवीं फिल्म के तौर पर ऑल टाइम फिल्म में जो डेब्यू था इस फिल्म ने किया हुआ था एनिमेशन के तौर पे बिगेस्ट ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने तो इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे जहाँ पे यूएस एस कैनेडा में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने करीबन सेवेंटी सेवन पॉइंट नाइन यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे प्रीव्यू के कलेक्शन थे वो इंक्लूड थे ट्वेंटी थ्री यू मिलियन डॉलर तो इतना यू और कनेडा से पहले दिन का कलेक्शन निकल के आया हुआ था फिल्म को सैतालीस थिएटर में रिलीज किया था जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अपना वीकेंड हासिल किया हुआ था जिस तरह का फिल्म से उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था अदर टेरी, टेरी से भी फिल्म ने कलेक्शन किया था दस दिनों में करीबन चार सौ मिलियन डॉलर का कलेक्शन एक्सपेक्ट किया गया था अदर टेरी, टेरी से जहां पर इस फिल्म ने उसको भी आसानी से तोड़ दिया क्रिटिक्स ऑडियंस का टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म को काफी बढ़िया कलेक्शन करने में कामयाब रहा जहां पर इस फिल्म ने करीबन यूएस कैनेडा से फाइव 143.638 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था द टेरिटरी टेरी से करीबन 1.119 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का टोटल हुआ 1.663 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन जहां पे फिल्म का बजट करीबन था टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी यूएस मिलियन डॉलर जिसके सामने बिलियन वन पॉइंट सिक्स प्लस बिलियन का यू एस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लिया करीबन इस फिल्म ने हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली एनिमेशन फिल्म में अपना मकाम दर्ज किया था और जो हाइस्ट ग्रोसिंग म्यूजिकल फिल्म होती है ऑल्ड टाइम रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था और इस फिल्म ने रीमेक फिल्में जो आती है उसमें भी हाईस्ट ग्रोसिंग रीमेक फिल्म ऑल्ड टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म 2019 की साबित हुई थी और सातवीं ओल्ड टाइम जो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है उसमें उस उसमें अपना नाम दर्ज किया हुआ था जो डेड हॉलीवुड है उन्होंने नेट प्रॉफिट कुछ फाइव एटी यू मिलियन डॉलर का कैलकुलेट किया हुआ था और सभी एक्सपेंसि और रिवन्यूज़ को उसमें मिक्स किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने मल्टीपल लैंग्वेज में जब रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अब ओ टी के ऊपर बातचीत कर लेते डिजनी प्लस के पास ओ टी टी राइट्स है सभी वर्जन के लिए वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन के सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के ही पास स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के पास द लायन किंग फिल्म को ऑफ़िशियली डीवीडी और ब्लू रे अल्ट्रा एच डिजिटल एच फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था 11 अक्टूबर 2019 को और ब्लू रे और अल्ट्रा एच में अक्टूबर 2022 2019 को रिलीज़ किया हुआ था उसके बाद डिजनी प्लस के द्वारा इसको ऑफिशियली 28 जनवरी 2020 को स्ट्रीम करवाया हुआ था जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार को इंडिया में तीन अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया था इंडिया में और उसमें हिंदी वर्जन भी शामिल था तो फिलहाल में अगर आपको इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस होटस्ट के ऊपर देख सकते हो जहां पे विथ इंग्लिश सब टाइटल को हिंदी के साथ साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर इस फिल्म को द लाइन किंग नाम के साथ बिल्कुल ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन हिंदी डब का वो स्टार गोल और स्टार गोल एनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डिजनी प्लस होटस्टार के हो। ऑफिशियल ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन द लाइन किंग फिल्म को आप मल्टीपल लैंग्वेज में हिंदी वर्जन इंक्लूड है उसमें इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी डब सेटेलाइट वर्जन आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में द लाइन किंग नाम के साथ देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि द लाइन किंग फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो द लायन किंग जो 2019 की अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है ये फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में रिलीज किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन भी शामिल था एक एनिमेटेड फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ जॉन फेवेरियो ने स्क्रीन प्ले जेप नेथरसोन का था डिज्नी के द्वारा जो द लाइन किंग बनाया गया था इरेन मेसी जोनाथ रॉबर्ट और लीना वुड के द्वारा क्रिएट किया गया था उसका रीमेक वर्जन है जॉन फेवेरियो जो फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जेफरी सिल्वर और केरन गलिश गिल गिलक्रिश ने उसको को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और फेयर व्यू इंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को करीबन टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट uh, uh, किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का रन टाइम 118 मिनट था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक घंटे और अट्ठावन मिनट की फिल्म थी जहां पे पहले इस फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 9 जुलाई 2019 को यूएस में 19 जुलाई 2019 को रिलीज किया हुआ था साथ ही में दूसरी सभी टेरिटरीज में तभी रिलीज किया हुआ था हंस जेमर्स के द्वारा म्यूजिक दिया हुआ है मार्क लिवंस और एडम गल ने इसको एडिट किया हुआ था करीब दो घंटे लंबा रन टाइम दिया हुआ था केलेब डिस चैनल ने इसको सिनेमाटोग्राफी की हुई थी डोनाल्ड ग्लोवर सेथ रोजान सेवत इजिफॉर्ड एल्फर्ड वुड बिली एस, एचनर जॉन कानी जॉन ऑलिवर बियसन कार्टर और जेम्स अलर जॉन्स जैसे कई बड़े एक्टर इसमें अपना वॉइस ओवर देते हुए नजर आएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 28 सितंबर को अनाउंस किया गया था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा कि जॉन फेबरू इस फिल्म का यानी कि फोर की एनिमेटेड फिल्म द लाइन किंग का रीमेक करने वाले जहां पे उसके ऊपर बाद में आगे काम किया गया था स्क्रीन प्ले जेफ नेता लिखने वाले रीमेक का और उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सिम्बा का रोल डोनाल्ड डोनाल्डर को मिड फरवरी 2017 में दिया गया था जहाँ पे जेम्स एल जॉनस जिन्होंने मुसफा का रोल दो हज़ार में किया हुआ था वही वॉइस और वो इस, इस फिल्म में रिप्राइज करते हुए नज़र आए थे उसके बाद में कई ऐसे अलग अलग, अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था कुछ एक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइस किया हुआ था बाद में इसके वेफिक्स के ऊपर भी काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ था वे जैसे कि फिल्म में करीबन फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी वी एफ एपिसोड थे जिसमें काफ़ी काफ़ी लंबा समय लगा था और किरदारों को जिस तरह से डेवलप किया होता उसमें भी काफ़ी लंका काफ़ी टाइम लगा हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम किया गया था जिस तरह के जो फिल्म बनाई गई थी उस हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था ग्यारह जुलाई दो को इस ट्रैक को रिलीज़ किया गया था वोल्ड डिजनी ने ही अपने पास राइट्स रखे हुए थे स्पिरिट करके गाना था उसको दस जुलाई दो को रिलीज़ किया हुआ था वैसे करीबन 19 इसमें बैकग्राउंड ट्रैक रखे हुए थे जिसको फिल्म में रिलीज़ किया गया था और यह सभी ट्रैक को काफी बढ़िया तरीके से एक प्यार मिला हुआ था जहाँ पे अभी फिलहाल मैं आप वॉल डिज्नी के द्वारा रिलीज किया हुआ है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इस मोशन ट्रैक को ऑफिशियली सुन सकते हो कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिम्बा का जो लीड रोल है वो डोनाल्ड क्लोवर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा पुम्बा वाला रोल है वो सेथ रोजन ने प्ले किया हुआ था यंग सिम्बा का रोल जेडी डी ने प्ले किया हुआ है यानी कि वॉइस ओवर दिया हुआ है स्कार के रोल में चिटर इजीफोर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है शराबी के रोल में एल्फर वुडान ने वॉइस ओवर दिया हुआ है टिमोन के रोल में बिल्ली एचनर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है राफिकी के रोल में जॉन कानी ने वॉइस ओवर दिया हुआ है जाजू के रोल में जॉन ओलिवर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है नाला के रोल में बियॉन्स नॉल्स कार्टर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है मुफासा के रोल में जेम्स अर्ल जॉन्स ने वॉइस ओवर दिया हुआ है वहीं पे फ्लोरा कसुम्बा कीगन मिक के इरिक एंड्रेज आपको सेंजी कमारी और अजीज़ के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नजर आएंगे इसके अलावा 1994 में कुछ किरदार थे उन सभी किरदारों को जो वॉइस ओवर है वो सेम आर्टिस्ट जिन्होंने 1994 में दिया हुआ था उस उन्होंने ही ओवर दिया हुआ था तो इस तरह से इस वॉइस कास्ट को कास्ट किया गया था अब बात कर लेते इसकी रिलीज़ के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीवुड में 9 जुलाई 2019 को इसको रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस कनाडा और दूसरी सभी कंट्रीज में 19 जुलाई 2019 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई मैक्स फॉर्मेट में जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डी पे करीबन दो लाख पचपन हज़ार वोट मिले जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे डिज्नी प्लस के द्वारा इससे पहले कई सारी एनिमेटेड फिल्में आई हुई थी उसमें इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया एक मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी ओपनिंग ली हुई थी ग्लोबल आ, जो डेब्यू है इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ था करीबन फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर के साथ नौवीं फिल्म के तौर पर ऑल टाइम फिल्म में जो डेब्यू था इस फिल्म ने किया हुआ था के तौर पे बिगेस्ट ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने तो इस फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे जहां पर पे थर्सडे प्रीव्यू के कलेक्शन थे वो इंक्लूड थे 23 तो इतना यूएस और केनेडा से पहले दिन का कलेक्शन निकल के आया हुआ था फिल्म को सैतालीस थिएटर में रिलीज किया

143.638 डॉलर का कलेक्शन किया था दी टेरिटरी से करीबन 1.119 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का टोटल हुआ 1.663 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन था टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी यूएस मिलियन डॉलर जिसके सामने बिलियन वन पॉइंट सिक्स प्लस बिलियन का कलेक्ट यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लिया करीबन इस फिल्म ने हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली एनिमेशन फिल्म में अपना मकाम दर्ज किया था और जो हाइस्ट ग्रोसिंग म्यूजिकल फिल्म होती है ऑल्ड टाइम रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था और इस फिल्म ने रीमेक फिल्में जो आती है उसमें भी हाइस्ट ग्रोसिंग रीमेक फिल्म ऑल्ड टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म 2019 की साबित हुई थी और सातवीं ओल्ड टाइम जो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है उसमें उस उसमें अपना नाम दर्ज किया हुआ था जो डेड लाइन हॉलीवुड है उन्होंने नेट प्रॉफिट कुछ फाइवी यू मिलियन डॉलर का कैलकुलेट किया हुआ था और सभी एक्सपेंसि और रिवेन्यूज को उसमें मिक्स किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने मल्टीपल लैंगवेजेज़ में जब रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अब ओ टी के ऊपर बातचीत कर लेते डिजनी प्लस के पास ओ टी टी राइट्स है सभी वर्जन के लिए वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन के सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के ही पास स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के पास द लायन किंग फिल्म को ऑफिशियली डीवीडी और ब्लू रे अल्ट्रा एच डिजिटल एच फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था 11 अक्टूबर 2019 को और ब्लू रे और अल्ट्रा एच में अक्टूबर 2022 2019 को रिलीज़ किया हुआ था उसके बाद डिजनी प्लस के द्वारा इसको ऑफिशियली 28 जनवरी 2020 को स्ट्रीम करवाया हुआ था जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार को इंडिया में तीन अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया हुआ था इंडिया में और उसमें हिंदी वर्जन भी शामिल था तो फिलहाल में अगर आपको इस फिल्म को के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देख सकते हो जहां पर विथ इंग्लिश सब टाइटल को हिंदी के साथ साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर इस फिल्म को द लाइन किंग नाम के साथ बिल्कुल ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन हिंदी डब का वो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डिजनी प्लस होटस्टार के ऑफिशियल ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन द लाइन किंग फिल्म को आप मल्टीपल लैंग्वेजेज में हिंदी वर्जन इंक्लूड है उसमें इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी डब सेटेलाइट वर्जन आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में द लायन किंग नाम के साथ देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि द लाइन किंग फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो द लायन किंग जो 2019 की अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फ़िल्म है ये फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में रिलीज किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन भी शामिल था एक एनिमेटेड फिल्म थी जिसको डिरेक्ट किया हुआ जॉन फेवेरियो ने स्क्रीन प्ले जेप नेथरसोन का था डिज्नी के द्वारा जो द लाइन किंग बनाया गया था एरन मेसी जोनाथ रॉबर्ट और लीना वुड के द्वारा क्रिएट किया गया था उसका रीमेक वर्जन है जॉन फेवेरियो जो फिल्म के डरेक्टर थे उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जेफरी सिल्वर और कैरन गलिश गिल गिलक्रिश ने उसको को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और फेयर व्यू इंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को करीबन 250 टू 260 यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट uh, किया हुआ था वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का रन टाइम एक मिनट था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक घंटे और अट्ठावन मिनट की फिल्म थी जहां पे पहले इस फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 9 जुलाई 2019 को यूएस में 19 जुलाई 2019 को रिलीज किया हुआ था साथ ही में दूसरी सभी टेरिटेज में तभी रिलीज किया हुआ था हंस जेमर्स के द्वारा म्यूजिक दिया हुआ है मार्क लिवंस और एडम गल ने इसको एडिट किया हुआ था करीब दो घंटे लंबा रन टाइम दिया हुआ था कैलेब डिस चैनल ने इसको सिनेमाटोग्राफी की हुई थी डोनाल्ड ग्लोवर सेथ रोजन सेविफॉर्ड एल्फर्ड वुड बिली एचनर जॉन कानी जॉन ओलिवर, बियॉन्स नॉलेर कार्टर और जेम्स अल्ला जोन्स जैसे कई बड़े एक्टर इसमें अपना वॉइस ओवर देते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016-28 सितंबर को अनाउंस किया गया था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा कि जॉन फेब्रियो इस फिल्म का यानी कि 1994 नाइनटी की एनिमेटेड फिल्म द लाइन किंग का रीमेक करने वाले जहां पे उसके ऊपर बाद में आगे काम किया गया था स्क्रीन प्ले जेफ नेतरसन लिखने वाले रीमेक का और उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सिम्बा का रोल डोनाल्ड लोअर को मिड फरवरी 2017 में दिया गया था जहाँ पे जेम्स एल जॉन्स जिन्होंने मुसफफा का रोल दो हज़ार में किया हुआ था वही वॉइजोअर वो इस, इस फिल्म में रिप्राइज करते हुए नजर आए थे उसके बाद में कई ऐसे अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था कुछ एक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ था बाद में इसके वेफिक्स के ऊपर भी काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ था वेफिक्स जैसे कि फिल्म में करीबन फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी वी एफ एपिसोड थे जिसमें काफ़ी काफ़ी लंबा समय लगा था और किरदारों को जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसमें भी काफ़ी लंग काफ़ी टाइम लगा हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम किया गया था जिस तरह की जो फिल्म बनाई गई थी उस हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था ग्यारह जुलाई दो को इस ट्रैक को रिलीज़ किया गया था वॉल डिजनी ने ही अपने पास राइट्स रखे हुए थे स्पिरिट करके एक गाना था उसको दस जुलाई दो को रिलीज किया हुआ था वैसे करीबन 19 इसमें बैकग्राउंड ट्रैक रखे हुए थे जिसको फिल्म में रिलीज किया गया था और यह सभी ट्रैक को काफी बढ़िया तरीके से एक प्यार मिला हुआ था जहां पे अभी फिलहाल में आप वोल्ड डिज्नी के द्वारा रिलीज किया हुआ है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इस मोशन ट्रैक को ऑफिशियली सुन सकते हो कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिम्बा का जो लोलीड रोल है वो डोनाल्ड क्लोवर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा पुम्बा वाला रोल है वो सेथ रोजन ने प्ले किया हुआ था यंग सिम्बा का रोल जे डी ने प्ले किया हुआ है कि वॉइस ओवर दिया हुआ है स्कार के रोल में चिटर इजीफोर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है शराबी के रोल में एल्फर वुडान ने वॉइस ओवर दिया हुआ है टिमोन के रोल में बिल्ली एचनर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है राफिकी के रोल में जॉन कानी ने वॉइस ओवर दिया हुआ है जाजू के रोल में जॉन ओलिवर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है नाला के रोल में बियसा नॉल्स कार्टर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है मुफासा के रोल में जेम्स अर्ल जॉन्स ने वॉइस ओवर दिया हुआ है वहीं पे फ्लोरा कसुम्बा किगन मिक के इरिक एंड्रेज आपको सेंजी कमारी और अजीज़ के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा 1994 में कुछ किरदार थे उन सभी किरदारों को जो वॉइस ओवर है वो सेम आर्टिस्ट जिन्होंने 1994 में दिया हुआ था उस उन्होंने वॉइस ओवर दिया हुआ था तो इस तरह से इस वॉइस कास्ट को कास्ट किया गया था अब बात कर लेते इसकी रिलीज़ के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीवुड में 9 जुलाई 2019 को इसको रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस कनाडा और दूसरी सभी कंट्रीज़ में 19 जुलाई 2019 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई मैक्स फॉर्मेट में जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम पे करीबन दो लाख पचपन हज़ार वोट मिले जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे डिज्नी प्लस के द्वारा इससे पहले कई सारी एनिमेटेड फिल्में आई हुई थी उसमें इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया एक मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी ओपनिंग ली हुई थी ग्लोबल आ, जो डेब्यू है इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ था करीबन फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर के साथ नौवीं फिल्म के तौर पर ऑल टाइम फिल्म में जो डेब्यू था इस फिल्म ने किया हुआ था एनिमेशन के तौर पे बिगेस्ट ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने तो इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे जहाँ पे यूएस एस कैनेडा में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने करीबन सेवेंटी सेवन पॉइंट नाइन यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे प्रीव्यू के कलेक्शन थे वो इंक्लूड थे ट्वेंटी थ्री यू मिलियन डॉलर तो इतना यू और कैनेडा से पहले दिन का कलेक्शन निकल के आया हुआ था फिल्म को सैतालीस थिएटर में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अपना वीकेंड हासिल किया हुआ था जिस तरह का फिल्म से उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा कलेक्शन 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 करते हुए फिल्म फिल्म ने ने काफ़ी ताबड़तोड़ किया किया हुआ था था अदर से भी टेरीटे करीबन चार सौ पचास यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन एक्सपेक्ट किया गया था अदर टेरीटे टेरी से जहां पर इस फिल्म ने उसको भी आसानी से तोड़ दिया क्रिटिक्स ऑडियंस का मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस फिल्म को काफी बढ़िया कलेक्शन करने में कामयाब रहा जहां पर इस फिल्म ने करीबन यूएस कैनेडा से फाइव 143.638 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था द टेरिटरी से करीबन 1.119 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का टोटल हुआ 1.663 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन जहां पे फिल्म का बजट करीबन था आ, 250 टू 260 यूएस मिलियन डॉलर जिसके सामने बिलियन 1.6 प्लस बिलियन का कलेक्ट यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लिया करीबन इस फिल्म ने हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली एनिमेशन फिल्म में अपना मकाम दर्ज किया था और जो हाईएस्ट ग्रोसिंग म्यूजिकल फिल्म होती है ओल्ड टाइम रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था और इस फिल्म ने रीमेक फिल्में जो आती है उसमें भी हाइएस्ट ग्रोसिंग रीमेक फिल्म ऑल्ड टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था सेकंड हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म दो की साबित हुई थी और सातवीं ओल्ड टाइम हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म है उसमें उस उसमें अपना नाम दर्ज किया हुआ था जो डेडलाइन हॉलीवुड है उन्होंने नेट प्रॉफिट कुछ फाइव एटी यू मिलियन डॉलर का कैलकुलेट किया हुआ था और सभी एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज़ को उसमें मिक्स किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने मल्टीपल लैंग्वेजेस में जब रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अब ओ टी के ऊपर बातचीत कर लेते थे डिजनी प्लस के पास ओ टी राइट्स है सभी वर्जनस के लिए वहीं पर हिंदी डब्ड वर्जन के सैटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के ही पास है स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के पास द लायन किंग फिल्म को ऑफ़िशियली डीवीडी और ब्लू रे अल्ट्रा एच डी डिजिटल एच डी फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था 11 अक्टूबर 2019 को और ब्लू रे और अल्ट्रा एच डी में अक्टूबर 2022 2019 को रिलीज़ किया हुआ था उसके बाद डिजनी प्लस के द्वारा इसको ऑफिशियली 28 जनवरी 2020 को स्ट्रीम करवाया हुआ था जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार को इंडिया में तीन अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया था इंडिया में और उसमें हिंदी वर्जन भी शामिल था तो फिलहाल में अगर आपको इस फिल्म को के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देख सकते हो जहां पे विथ इंग्लिश सब टाइटल को हिंदी के साथ साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर इस फिल्म को द लाइन किंग नाम के साथ बिल्कुल ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन हिंदी डब का वो स्टार गोल और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहाँ पर इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डिजनी प्लस होटस्टार के हो। ऑफिशियल ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन द लाइन किंग फिल्म को आप मल्टीपल लैंग्वेजेज में हिंदी वर्जन इंक्लूड है उसमें इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी डब सेटेलाइट वर्जन आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में द लाइन किंग नाम के साथ देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि द लाएन किंग फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो द लायन किंग जो 2019 की अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा फ़िल्म है ये फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में रिलीज किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन भी शामिल था एक एनिमेटेड फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ जॉन फेवेरियो ने स्क्रीन प्ले जेफ नेथरसोन का था डिज्नी के द्वारा जो द लाइन किंग बनाया गया था इरेन मेसी जोनाथ रॉबर्ट और लीना वुलवलन के द्वारा क्रिएट किया गया था उसका रीमेक वर्जन है जॉन फेवेरी जो फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जेफरी सिल्वर और केरन गलिश गिल गिलक्रिश ने उसको को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को करीबन 250 टू 260 यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था जिसको डिस्ट्रीब्यूट uh, किया हुआ था वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का रन टाइम एक मिनट था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक घंटे और अट्ठावन मिनट की फिल्म थी जहां पे फेल इस फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 9 जुलाई 2019 को यूएस में 19 जुलाई 2019 को रिलीज किया हुआ था साथ ही में दूसरी सभी टेरिटेज में तभी रिलीज किया हुआ था हंस जेमर्स के द्वारा म्यूजिक दिया हुआ है मार्क लिवंस और एडम गल ने इसको एडिट किया हुआ था करीब दो घंटे लंबा रन टाइम दिया हुआ था केलेबिस चैनल ने इसको सिनेमेटोग्राफी की हुई थी डोनाल्ड क्लोवर सेविफॉर्ड एल्फर्ड वर्फ बिली एच जॉन कानी जॉन ऑलिवर नोलेर कार्टर और जेम्स अलर जॉन्स जैसे कई बड़े एक्टर इसमें अपना वॉइस ओवर देते हुए नजर आएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 2016 28 सितंबर को अनाउंस किया गया था वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स के द्वारा कि जॉन अन इस फिल्म का यानी कि 1994 नाइन्टी फोर की एनिमेटेड फिल्म द लाइन किंग का रीमेक करने वाले जहां पे उसके ऊपर बाद में आगे काम किया गया था स्क्रीन प्ले जेफ नेता लिखने वाले रीमेक का और उसके बाद में कास्टिंग के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे सिम्बा रोल डोनाल्ड ग्लोवर को मिड फरवरी 2017 में दिया गया था जहाँ पे जेम्स एल जॉन्स जिन्होंने भूसफा का रोल दो हज़ार में किया हुआ था वही वॉइस ओवर वो, जोर, वो इस फिल्म में रिप्राइज करते हुए नज़र आए थे उसके बाद में कई ऐसे अलग अलग, अलग एक्टर्स को कास्ट किया गया था कुछ एक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइज किया हुआ था बाद में इसके वेफिक्स के ऊपर भी काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ था वेफिक्स जैसे कि फिल्म में करीबन फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी वेफ एक्स शॉट थे जिसमें काफ़ी काफ़ी लंबा समय लगा था और किरदारों को जिस तरह से डेवलप किया होता था उसमें भी काफ़ी लंबा काफ़ी टाइम लगा हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम किया गया था जिस तरह की जो फिल्म बनाई गई थी उस हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था ग्यारह जुलाई दो को इस ट्रैक को रिलीज़ किया गया था वोल्डिजनी ने ही अपने पास राइट्स रखे हुए थे स्पिरिट करके गाना था उसको दस जुलाई दो को रिलीज़ किया हुआ था वैसे करीबन उन्नीस इसमें बैकग्राउंड ट्रैक रखे हुए थे जिसको फिल्म में रिलीज किया गया था और यह सभी ट्रैक को काफी बढ़िया तरीके से एक प्यार मिला हुआ था जहाँ पे अभी फिलहाल में आप वोल्ड डिज्नी के द्वारा रिलीज किया हुआ है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में इस मोशन ट्रैक को ऑफिशियली सुन सकते हो कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सिम्बा का जो लोलिड रोल है वो डोनाल्ड क्लोवर ने प्ले किया हुआ है इसके अलावा पुम्बा वाला रोल है वो सेथ रोजन ने प्ले किया हुआ था यंग सिम्बा का रोल जे डी ने प्ले किया हुआ है यानी कि वॉइस ओवर दिया हुआ है स्कार के रोल में चिटर एजीफोर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है शराबी के रोल में एल्फर वुडान ने वॉइस ओवर दिया हुआ है टिमोन के रोल में बिल्ली एचनर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है राफिकी के रोल में जॉन कानी ने वॉइस ओवर दिया हुआ है जाजू के रोल में जॉन ओलिवर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है नाला के रोल में बियन सा नॉल्स का्टर ने वॉइस ओवर दिया हुआ है मुफासा के रोल में जेम्स अर्ल जॉन्स ने वॉइस ओवर दिया हुआ है वहीं पे फ्लोरा कसुम्बा किगन मिक के इरिक एंड्रेज आपको सेंजी कमारी और अजीज़ के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा 1994 में कुछ किरदार थे उन सभी किरदारों को जो वॉइस ओवर है वो सेम आर्टिस्ट जिन्होंने 1994 में दिया हुआ था उस उन्होंने वॉइस ओवर दिया हुआ था तो इस तरह से इस वॉइस कास्ट को कास्ट किया गया था अब बात कर लेते इसकी रिलीज़ के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हॉलीवुड में 9 जुलाई 2019 को इसको रिलीज़ किया गया था वहीं पे यूएस एस कैनेडा और दूसरी सभी कंट्रीज़ में 19 जुलाई 2019 को फिल्म को रिलीज़ किया गया था आई 3डी फॉर्मेट में जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई एम पे करीबन दो लाख पचपन हज़ार वोट मिले जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब एक अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म इतना कलेक्शन कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे डिज्नी प्लस के द्वारा इससे पहले कई सारी एनिमेटेड फिल्में आई हुई थी उसमें इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया एक मकाम बनाया हुआ था इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी ओपनिंग ली हुई थी ग्लोबल आ, जो डेब्यू है इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ था करीबन फोर यूएस मिलियन डॉलर के साथ नौवीं फिल्म के तौर पर ऑल टाइम फिल्म में जो डेब्यू था इस फिल्म ने किया हुआ था एनिमेशन के तौर पे बिगेस्ट ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने तो इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थे जहाँ पे यूएस एस कैनेडा में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे पहले दिन इस फिल्म ने करीबन सेवेंटी सेवन पॉइंट नाइन यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे थर्सडे प्रीव्यू के कलेक्शन थे वो इंक्लूड थे ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर तो इतना यू और कनेडा से पहले दिन का कलेक्शन निकल के आया हुआ था फिल्म को सैतालीस थिएटर में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अपना वीकेंड हासिल किया हुआ था जिस तरह का फिल्म से उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा कलेक्शन करते हुए फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था अदर से भी फिल्म ने कलेक्शन किया था दस दिनों में करीबन चार सौ यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन एक्सपेक्ट किया गया था अदर टेरी से जहां पर इस फिल्म ने उसको भी आसानी से तोड़ दिया क्रिटिक्स ऑडियंस का टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म को काफी बढ़िया कलेक्शन करने में कामयाब रहा जहां पर इस फिल्म ने करीबन यूएस कैनेडा से फाइव 143.638 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था द टेरिटरी से करीबन 1.119 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का टोटल हुआ 1.663 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन था uh, 250 टू 260 यूएस मिलियन डॉलर जिसके सामने बिलियन 1.6 प्लस बिलियन का यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर का टैग लिया करीबन इस फिल्म ने हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली एनिमेशन फिल्म में अपना मकाम दर्ज किया था और जो हाईएस्ट ग्रोसिंग म्यूजिकल फिल्म होती है ओल्ड टाइम रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था और इस फिल्म ने रीमेक फिल्में जो आती है उसमें भी हाइस्ट ग्रोसिंग रीमेक फिल्म ओल्ड टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था सेकंड हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म दो की साबित हुई थी और सातवीं ओल्ड टाइम जो तो हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म है उसमें उस उसमें अपना नाम दर्ज किया हुआ था जो डेड लाइन हॉलीवुड है उन्होंने नेट प्रॉफिट कुछ फाइव एटी यू मिलियन डॉलर का कैलकुलेट किया हुआ था और सभी एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज़ को उसमें मिक्स किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने मल्टीपल लैंग्वेजेस में जब रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था अब ओ टी के ऊपर बातचीत कर लेते डिजनी प्लस के पास ओ टी टी राइट्स है सभी वर्जन के लिए वहीं पर हिंदी डब्ड वर्जन के सेटेलाइट राइट स्टार नेटवर्क के ही पास है स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के पास द लायन किंग फिल्म को ऑफ़िशियली डीवीडी और ब्लू रे अल्ट्रा एच डी डिजिटल एच डी फॉर्मेट में रिलीज़ किया हुआ था ग्यारह अक्टूबर 2019 को और ब्लू रे और अल्ट्रा एच डी में अक्टूबर 2022 2019 को रिलीज़ किया हुआ था उसके बाद डिजनी प्लस के द्वारा इसको ऑफिशियली 28 जनवरी 2020 को स्ट्रीम करवाया हुआ था जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार को इंडिया में तीन अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया था इंडिया में और उसमें हिंदी वर्जन भी शामिल था तो फिलहाल में अगर आपको इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहां पर विथ इंग्लिस सब टाइटल को हिंदी के साथ साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर इस फिल्म को द लाइन किंग नाम के साथ बिल्कुल ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पर इस फिल्म का सेटेलाइट वर्जन हिंदी डब का वो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि डिजनी प्लस होटस्टार के ऑफिशियल ओ टीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथिंग लि सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन द लाइन किंग फिल्म को आप मल्टीपल लैंग्वेज में हिंदी वर्जन इंक्लूड है उसमें इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का हिंदी डब सेटेलाइट वर्जन आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में द लाइन किंग नाम के साथ देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को यानी कि द लाइन किंग फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो तो बस दोस्तों द लायन किंग फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म के मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल है तो ये सभी वर्जन है वो आप कौन से ओटीटी सैटेलाइट टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर जानकारी दी हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस किया हुआ है रिमेक और ओरिजिनल और के बीच में भी थोड़ी बातचीत की हुई है इसके अलावा फ़िल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा और एक रिव्यू दिया हुआ है आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक प्रॉपर एनालिसिस हो चुकी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू